आज के इस सेशन में हम कंप्यूटर पढ़ेंगे तो हम इसमें टॉप 750 प्लस एम कवर करेंगे आज के इस सेशन में ठीक है सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी आपको इस सेशन की पीडीएफ और बाकी सारी पी एंड फुल कोर्सेज आने वाले एग्जाम्स के हमारी एप्लीकेशन से मिलेंगे एप्लीकेशन की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ठीक है तो चलिए फिर टाइम को वेस्ट ना करते हुए पहले क्वेश्चन पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉलेटाइल मेमरी ऑफ ए कंप्यूटर ठीक है कौन सी है वॉलेटाइल मेमरी कंप्यूटर की इनमें से तो चलिए आंसर दे दीजिए ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर है रैम ठीक है रैंडम एक्सेस मेमरी वॉलेटाइल मेमरी है ठीक है ओके okay. चलिए जी नेक्स्ट पर आते हैं गुड प्रिया शर्मा आपने पहले आंसर दिया है वेरी गुड आई सीम कंप्यूटर स्टांस फॉर ठीक है चलिए आंसर दे दीजिए इसका भी यस इंटेग्रेटेड सर्किट ठीक मोनिका मोनिका सगरो सगोत्रा ठीक है सॉरी सॉरी नाम लेने में जरा सी डिफिकल्टी होती है तो माइंड चलिए नेक्स्ट पे आते हैं कंप्यूटर वायरस इज बताइए अ कंप्यूटर वायरस इज स्पेशल काइंड ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम ठीक है फाइनेंस मिनिस्टर इन हिज बजट स्पीच ऑन ट्वेंटी इलेवन विद्यू टू असिस्ट स्टेट इन मॉडर्नाइजिंग दिय स्टाम एडमिनिस्ट्रेशन स्टैंपिंग इज एक्सपेक्टेड टू बी रोल्ड आउट इन ऑल द ऑफ़ डिफरेंट स्टेट इन पीरियड ऑफ ठीक है किस पीरियड में यह आएगा ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर है थ्री ईयर्स ठीक आपने पहले इसका सही आंसर दिया है वेरी गुड चले नेक्स्ट पे आते हैं वॉज इंडिया फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल्ड पे इंडिया का पहला कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया था तो चलिए इनके सारे ही ऑप्शंस देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है इंडियन स्टाटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता ओके यस आसिफ मंजूर आपने पहले इसका करेक्ट आंसर दिया है गुड चलिए नेक्स्ट पे आते हैं वट इज द कॉमनली यूज यूनिट फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन चलिए इसका आंसर बताइए इसका करेक्ट आंसर है बिट्स पर सेकेंड ठीक कामर मुश्ताक आपने पहले इसका करेक्ट आंसर दिया है वेरी गुड चलिए नेक्स्ट पे आते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ए सॉफ्टवेयर मोर यूजफुल इसका आंसर बताइए स्प्रेडशीट कहां पर सबसे ज्यादा यूज होता है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर तो स्टैटिस्टिक्स ठीक है मुदसर अहमद वेरी गुड आपने करेक्ट आंसर दिया पहले चलिए नेक्स्ट पे आते हैं ए ग्रुप वेयर इज ए ग्रुपवेयर क्या है तो ये इसका करेक्ट आंसर है सॉफ्टवेयर yes. साहिला बानू वेरी गुड आपने करेक्ट आंसर दिया पहले चलिए नेक्स्ट पे आते हैं ए कम्युनिकेशन नेटवर्क विच इज यूज बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन और रीजनल नेशनल और ग्लोबल एरिया इज़ कॉल्ड चलिए इसका करेक्ट आंसर दीजिए जल्दी से वैन वाइड एरिया नेटवर्क इसका करेक्ट आंसर है ठीक लाख आपने इसका पहले आंसर दिया वेरी गुड चलिए नेक्स्ट पे आते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर इज कौन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पर्सनल मैनेजर पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर तो करेक्ट आंसर है आउटलुक ठीक है यस yes, मुदसर अहमद बट आपने पहले करेक्ट आंसर दिया इसका वेरी गुड Wikileaks a whistle blower sorry a whistle website is an international organization based in कहां पे है ये तो इसका करेक्ट आंसर है यूएसए यस yes, अपना कश्मीर आपने करेक्ट आंसर दिया पहले चलिए नेक्स्ट पे आते हैं अपोलो पोर्ट इज मोस्ट ऑफ इन यूज बाय अ जी इसका करेक्ट आंसर है प्रिंटर ठीक है चलिए जल्दी जल्दी से आंसर दे दीजिए शेख बतूला वेरी गुड आपने पहले करेक्ट आंसर दिया इसका ओके नेक्स्ट पे आते हैं. Are, कौन से होते हैं क्या बोला जाता है उनको मिनमोनिक्स यस yes, कामन मुश्ताक आपने यस yes, समा आपने भी करेक्ट आंसर दिया पहले चलिए नेक्स्ट पे आते हैं द नो शेड एट्रीब्यूट इन एच ये नो शेड एट्रीब्यूट जो टीएमएल में होता है क्या डिफाइन करता है या डिस्प्ले करता है तो इसका करेक्ट आंसर है डिस्प्ले इज द लाइन इन रेड ओके यस करेक्ट आंसर वेरी गुड आपने पहले दिया चलिए नेक्स्ट पे आते हैं वर आर प्रोग्राम्स एंड डेटा टू बी यूज बाय द कंप्यूटर अवेलेबल तो इसका करेक्ट आंसर है स्टोरेज यस इरफान आपने करेक्ट आंसर दिया पहले वेरी गुड चलिए नेक्स्ट पे आते हैं इन एच टी एम एल बी एंड स्लैश बी टैग्स डिस्प्ले द इनक्लोज टेक्स्ट इन हाँ जी बताइए तो इसका करेक्ट आंसर है बोल्ड वेरी गुड नाइम डार आपने करेक्ट आंसर दिया पहले गुड प्रिया शर्मा ने भी चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर इन से कौन सा है जो हार्डवेयर नहीं है ठीक है तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर यस वाही सॉरी वानी ताहा जी जावा इसका करेक्ट आंसर है वेरी गुड चलिए चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर तो इसका करेक्ट आंसर कंपाइलर यस जी बट समीर आपने भी करेक्ट आंसर विकार ऑफिशियल वेरी गुड आपने भी करेक्ट आंसर दिया इसका पहले चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हाउ मच डेटा स्टोर सॉरी हाउ मच डेटा डज अ स्टैंडर्ड फ्लॉपी डिस्क होल्ड कितना डेटा जो है एक स्टैंडर्ड फ्लॉपी डिस्क होल्ड करता है ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर है यस 1.44 एमबी वेरी गुड यस वानिता आपने करेक्ट आंसर दिया चलिए नेक्स्ट पे आते हैं Stands for ठीक है तो इसका आंसर दे दीजिए जल्दी से लोकल एरिया नेटवर्क यस बट समीर आपने पहले इसका आंसर दिया चलिए नेक्स्ट पे आते हैं द टर्म पीसी मींस ठीक है क्या मतलब है पीसी का इस टर्म का क्या मतलब है तो इसका करेक्ट आंसर है पर्सनल कंप्यूटर यस जुनाद मीर आपने करेक्ट आंसर दिया पर्सनल कंप्यूटर चलिए नेक्स्ट पे आते हैं वन सीरोइट्स इक्वल टू इक्वल्स ठीक है कितने होते हैं ये तो इसका करेक्ट आंसर है वन के बी वन के बी ओके चलिए नेक्स्ट पे आते हैं वन केबी वन किलो बाइट ओके चलिए इनायक वॉज इनायक क्या था ठीक है चलिए आंसर्स देखे ऑप्शन देख एंड मुझे बताइए ये क्या था एक ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था एंड इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जी नहीं महद ओके जी मुदसिर अहमद बिल्कुल आपने करेक्ट आंसर दिया पहले चले नेक्स्ट पे आते हैं वन बाइट कंसिस्ट ऑफ चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से इसका करेक्ट आंसर है एट बिट्स जी ओके वानी ताहा वेरी गुड आपने पहले करेक्ट आंसर इसका दिया चलिए नेक्स्ट पे आते हैं डी टी पी फॉर इसका करेक्ट आंसर डेस्कटॉप डेस्कटॉप पब्लिशिंग ओके यार जिगरी सॉरी यार जिग्री यार जिग्री जी आपने करेक्ट आंसर दिया इसका पहला सेकेंड डेस्कटॉप पब्लिशिंग चलिए नेक्स्ट पे आते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर नेटवर्क इनमें से कौन सा जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है चलिए बताइए तो इसका करेक्ट आंसर पर्सनल जी मुदस्र आपने पहले करेक्ट आंसर दिया जी मुदसर पर्सनल नेटवर्क इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट पे आते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स डू नॉट हैिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में क्या नहीं था जी वैक्यूम ट्यूब्स नहीं थे इसमें हाँ जी किसने करेक्ट आंसर दिया इसका आरिफ हसन आपने पहले करेक्ट आंसर दिया इसका चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं सबके नाम नहीं ले रही हूं बहुत सारों ने करेक्ट आंसर दिया है तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं व्हाट डज अ कंप्यूटर एड कंपेयर एंड शफल डेटा कहाँ पे एड करता है तो इसका करेक्ट आंसर है सीपीयू चिप ओके यस वानीताहा करेक्ट आंसर आपने दिया पहले वेरी गुड चलिए नेक्स्ट पे आते हैं लेटर जी यूज इन टू जी स्पेक्ट्रम स्टैंड फॉर लेटर जी का क्या मतलब है तो इसका करेक्ट आंसर है जेनरेशन ठीक है यस सुहान यूसुफ आपने पहले इसका करेक्ट आंसर दिया वेरी गुड चलिए नेक्स्ट पे आते हैं डबल इज ए डैश डेटा टाइप डबल क्या डेटा टाइप है तो इसका करेक्ट आंसर है प्रिमिटिव ओके okay? चलिए यस चौधरी जी आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया इसका पहले चले नेक्स्ट पे आते हैं मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स अवेलेबल टुडे आर क्या है आजकल के कंप्यूटर्स कौन सी जनरेशन है इनकी ठीक है जल्दी से बताइए मुझे तो इसका करेक्ट आंसर फोर्थ जेनरेशन कंप्यूटर्स ठीक है मोस्ट कंप्यूटर्स मोस्ट ओके फोर्थ generation यस इरावानी करेक्ट आंसर गुड चलिए नेक्स्ट पे आते हैं इज़ अ हाई स्पीड नेटवर्क दैट कनेक्ट लोकल नेटवर्क इन एस और टाउन कौन सा है ये नेटवर्क सिटी और टाउन में जो कनेक्ट करता है तो इसका करेक्ट आंसर है मैन नो no. चलिए इसका करेक्ट आंसर कि दिया प्रिंस महराज वेरी ग्रा आपने इसका पहले करेक्ट आंसर दिया है यस लोकल एरिया नेटवर्क जो होते हैं लोकल एरिया में हमारे होते हैं लेकिन जो एक सिटी और टाउन को कनेक्ट करते हैं वो मैन नेटवर्क होता है ठीक है ये याद रखिए चलिए नेक्स्ट पे आते हैं पी डी ए स्टैंड फॉर ठीक है क्या है फुल फॉर्म पी डी ए का यस मेट्रोपोलिटन एरिया एरिया नेटवर्क गुड चलिए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस ठीक है महरीन जान आपने पहले इसका करेक्ट आंसर दिया वेरी गुड चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं द डिवाइस दैट कनेक्ट सॉरी दैट कन्वर्ट्स कंप्यूटर आउटपुट फॉर ट्रांसमिशन ओवर टेलीफोन लाइन इज कॉल्ड कौन सा डिवाइस है तो इसका करेक्ट आंसर है मॉडर्म वेरी गुड वानी आपने पहले करेक्ट आंसर दिया है जी इसका करेक्ट आंसर है मॉडर्म चलिए नेक्स्ट पे आते हैं अब बग प्रोग्राम इज अ बग क्या है प्रोग्राम में हमारे ठीक है चलिए इसका करेक्ट आंसर है एरर जी माय डाइट प्लान आपने करेक्ट आंसर दिया है जी एरर इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट पे आते हैं डीओएस इज़ अ क्या है डीओएस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक इसका करेक्ट आंसर है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है डी चलिए जल्दी जल्दी आंसर दे दीजिए वानी ता गुड आपने इसका भी करेक्ट आंसर दिया है पहले नेक्स्ट पे आते हैं चलिए जी द कोड नेम लॉन्ग हॉर्न वॉज इनिशियली गिवन टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग किसको दिया था ये कोड नेम पहले ठीक है जल्दी बताइए कौन सा इसका करेक्ट आंसर विंडोज विस्ता ठीक है विंडोज को ये दिया गया था अपना कश्मीर वेरी गुड आपने पहले करेक्ट आंसर दिया इसका नेक्स्ट पे आते हैं स्मॉल एंड चीप कंप्यूटर्स बिल्ट सेवरल होम आर ऑफ टाइप किस टाइप के हैं ये ठीक है जो हमारे घर में लगते हैं यस yes. रुबैया बेगम आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया माइक्रो माइक्रो कंप्यूटर्स ठीक है चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं What इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग टेबल्स कॉल्ड ठीक है क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को तो इसका करेक्ट आंसर है इंडेक्स डेफिनेशन ठीक है इंडेक्स डेफिनेशन इसका करेक्ट आंसर है जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए हिमालयन विलेज वॉइड जी आपने पहले इसका करेक्ट आंसर दिया चलिए नेक्स्ट पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए डेटाबेस मैनेजर ठीक है इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है डेटाबेस मैनेजर की तो जल्दी से बताइए कौन सी है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑर्गेनाइजर ओके ऑर्गेनाइजर जी नदीम अहद आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है पहले चले नेक्स्ट पे आते हैं व्हाट आर द सिग्नल दैट इन्फॉर्म द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट सम एक्टिविटी हैज टेकन प्लेस कॉल्ड ठीक है क्या बोलते हैं इसको जल्दी से आंसर बताइए तो इसका करेक्ट आंसर है हैंडलर हैंडलर्स ठीक है ओके हैंडलर्स वानी था वेरी गुड आपने इसका करेक्ट आंसर दिया है पहले चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हाउ इज इक्वल टू वन जी बी कितने के बी है इक्वल टू वन जीबी तो इसका करेक्ट आंसर है वन जीरो टू फोर इंटू वन जीरो टू फोर वेरी गुड बहुत सारे ने यहां पे करेक्ट आंसर पहले इसने सज्जादवार आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है चलिए नेक्स्ट पे आते हैं फॉर्म अलग्वेज यूज टू एक्सप्रेस इंफॉर्मेशन और नॉलेज ऑफ एन फॉर यूज इन कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है इसके तो फिर आप मुझे इसके आंसर बताइए ठीक है सॉरी क्या बोला जाता है इसको तो इसका करेक्ट आंसर है मॉडलिंग लैंग्वेज ओके मॉडलिंग लैंग्वेज यस yes, अपना कश्मीर करेक्ट आंसर आपने दिया पहले चलिए नेक्स्ट पे आते हैं एस पी इन कंप्यूटर साइंस स्टैंड्स फॉर इसका आंसर बताइए तो इसका करेक्ट आंसर है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर ठीक है जी बिल्कुल प्रिंस महाराज आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया पहले चलिए नेक्स्ट पे आते हैं आल्ट विस्टा इज ए आल्टा विस्टा क्या है तो इसका करेक्ट आंसर है सर्च इंजन यस आसिफ लोगों बिल्कुल आपने पहले करेक्ट आंसर दिया चले नेक्स्ट पे आते हैं ए टी एम इज ऑफ क्या है फुल फॉर्म ए टी एम का ठीक है डे टू डे लाइफ में हमें इस्तेमाल होता है ए टी एम जी ऑटोमेटेड टेलर मशीन जी आदेश दुबे आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया ऑटोमेटिक नहीं है ऑटोमेटेड है ठीक है तो एक चीज से आप कंफ्यूज नहीं होइएगा ऑटोमेटेड टो मशीन चलिए नेक्स्ट पे आते हैं ठीक है इसका आंसर बताइए बिट रेफर्स टू जी बाइनरी डिजिट वेरी गुड वार्निंग था आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है आपने पहले इसका करेक्ट आंसर दिया चलिए नेक्स्ट पे आते हैं डाइट जस्ट अलाउज यूजर टू एक्सेस अकाउंट्स एंड पे बिल्स ठीक है तो इसका बताइए आप मुझे करेक्ट आंसर जल्दी से तो इसका करेक्ट आंसर है ई कॉमर्स वेरी गुड बस समीर आपने इसका पहले आंसर दिया चलिए नेक्स्ट पे आते हैं द एक्ट ऑफ राइटिंग न्यू डेटा इन टू रजिस्टर क्या बोलते हैं इस एक्ट को ओके okay, इसका करेक्ट आंसर है इज पॉसिबल ओनली व्हेन द रजिस्टर इज एन एक्यूमुलेटर और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ओके वेरी गुड इसका उमर हाशिम आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है वानी ताहा आपने भी इसका करेक्ट आंसर दिया है पहले चलिए नेक्स्ट पे आते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकल डिस्क इनमें से कौन सी है ऑप्टिकल डिस्क ठीक है चलिए जल्दी से बताइए तो इसका करेक्ट आंसर है सुपर डिस्क ओके सुपर डिस्क इसका करेक्ट आंसर है यस yes, रईस खान आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया इसका पहले चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं द टर्म एपीआई रेफर्स टू एपीआई टर्म तो इसका करेक्ट आंसर है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस जी उमर हाशिम बिल्कुल करेक्ट आंसर चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं पिक द ऑड वन आउट इस में से आप ऑड वन जो है उसको पिक करिए ठीक है कौन सा है इसमें ऑड तो करेक्ट आंसर इसका ट्रोजन हॉर्स ठीक है चलिए नेक्स्ट पे आते हैं द रेट एट विच स्कैनिंग इज रिपीटेड इन एस सी आर टी इज कॉल्ड ठीक है क्या बोलते हैं इस रेट को जल्दी से इसका आंसर बताइए बोलते हैं हम रिफ्रेशिंग रेट वेरी गुड महाराज लोन आपने पहले इसका करेक्ट आंसर दिया है वेरी गुड नेक्स्ट पे आते हैं टेलनेट इज अ टेलनेट क्या है इसका करेक्ट आंसर है प्रोटोकॉल ठीक है वेरी गुड उमर हाशिम बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है आपने पहले इसका प्रोटोकॉल है टेलनेट नेक्स्ट पे आते हैं द टर्म ओडीबीसी स्टांड्स फॉर इसका करेक्ट आंसर है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी ठीक है ओडीबीसी स्टैंड फॉर यस इरफू बिल्कुल आपने पहले इसका करेक्ट आंसर दिया है चलिए नेक्स्ट पे आते हैं वो द एल यू एंड कंट्रोल सेक्शन हैव स्पेशल पर्पज स्टोरेज लोकेशन कॉल्ड इसका करेक्ट आंसर है रजिस्टर्स ठीक है यस बट समीर बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया आपने पहले चले नेक्स्ट पे आते हैं ट्रांसलेटर फॉर द इस्लाम इस्लम सॉरी असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज इज क्या बोला जाता है उस ट्रांसलेटर को तो वो है असेंबलर मसरूर गुल यस yes, बिल्कुल वानी कहा बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया आपने पहले चलिए नेक्स्ट पे आते हैं वायर इज़ इंडिया सुपर कंप्यूटर परम लोकेटेड कहाँ पे है इंडिया का सुपर कंप्यूटर परम लोकेटेड ठीक है कहाँ पे चलिए जल्दी से बताइए तो इसका करेक्ट आंसर है पुणे मुदस्सर रोलियाल यस yes, आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है जी शेख बतूला आपने भी करेक्ट आंसर दिया है पहले चलिए नेक्स्ट पे आते हैं एक्सपेंशन ऑफ आर डी बी एम एस इज़ क्या है एक्सपेंशन आर डी बी एम एस की रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यस वानी साहब बिल्कुल करेक्ट आंसर बोला है आपने पहले चलिए नेक्स्ट पे आते हैं डायजेस्ट इज अ प्रोग्राम दैट प्लेसेस प्रोग्राम इन टू मेमरी एंड प्रिपेयर्स देम फॉर एग्जीक्यूशन तो इसका करेक्ट आंसर है लोडर ठीक है लोडर है वो प्रोग्राम ठीक है बिल्कुल बिल्कुल आसिफ लोन आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है पहले चलिए नेक्स्ट पे आते हैं प्रोग्राम स्टोर्ड इन अ रोम कार्ल्ड ठीक है क्या बोलते हैं उन प्रोग्राम्स को तो इसका करेक्ट आंसर है फर्मवेयर ठीक वाली था बिल्कुल ठीक आपने करेक्ट आंसर दिया पहले चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं फर्मवेयर सॉरी नेक्स्ट पे आते हैं दैट जस्ट अलाउ सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग ड्राइव इंफॉर्मेशन ठीक है चलिए जी इसका करेक्ट आंसर बताइए तो इसका करेक्ट आंसर क्योरी लैंग्वेज बिल्कुल जी 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 मुनीर अहमद बिल्कुल आपने पहले करेक्ट आंसर दिया इसका चलिए नेक्स्ट पे आते हैं आइकन्स आर डाइड कमांड्स आइकन्स कौन सी कमांड्स हैं चलिए बताइए जल्दी से तो इसका करेक्ट आंसर है पिक्चर कमांड्स मुनीर अहमद बिल्कुल आपने करेक्ट आंसर दिया पहले चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फॉलोइ इज एन एम एस डॉस एक्सटर्नल कमांड ठीक है कौन सी है इनमें से एमएस डॉस एक्सटर्नल कमांड तो इसका करेक्ट आंसर है फॉर्मैट ओके okay? बिल्कुल खान राउफ बिल्कुल आपने पहला जो है करेक्ट आंसर दिया है चलिए नेक्स्ट पे आते हैं एन एड्रेस कंसिस्ट ऑफ तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द एंड ऑफसेट देश रजिस्टर भी एंड इंडेक्स रजिस्टर भी ठीक है ऑल बिल्कुल इरफू बिल्कुल करेक्ट आंसर बोला है आपने इरफू पहले चले नेक्स्ट पे आते हैं अ डायस्ट इज एन इनपुट डिवाइस विच इज यूज फॉर कन्वर्टिंग पिक्चर्स मैप्स एंड ड्रॉइंग्स इन टू डिजिटल फॉर्म फॉर स्टोरेज इन कंप्यूटर्स ठीक है चलिए इसका करेक्ट आंसर बताइए तो इसका करेक्ट आंसर है डिजिटाइजर ठीक है यस yes, लकुशूर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने दिया इसका पहले डिजिटाइजर चलिए नेक्स्ट पे आते हैं इन सी लैंग्वेज द फॉर्मेटिंग करेक्ट शुड बी प्रोसीडिड बाय द सिंबल तो इसका करेक्ट आंसर है परसेंटेज ओके परसेंट यस डार जुनैद बिल्कुल करेक्ट आंसर बोला आपने चलिए नेक्स्ट पे आते हैं विच मेमरी इज बोह स्टैटिक एंड नॉन वॉलटाइल कौन सी मेमरी है जो बोहोत स्टैटिक है एंड नॉन वॉलटाइल बी है ठीक है तो वो कौन सी है रॉम ठीक है रीड ऑनली मेमरी वेरी गुड अपना कश्मीर आपने पहले आंसर दिया इसका चलिए नेक्स्ट पे आते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग अलाउस कंप्यूटर्स टू ट्रांसफर डेटा यूजिंग अ टेलीफोन लाइन चलिए इसका करेक्ट आंसर है मॉडेम। यस yes, वानीताह बिल्कुल सही आंसर आपने दिया पहले चले नेक्स्ट पे आते हैं द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ऑन एन ऑप्टिकल डिस्क इज कॉल्ड क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को तो इसका करेक्ट आंसर है बर्निंग ओके okay? यस yes, वानीताहब बिल्कुल बिल्कुल ऐसे एक्टिव रहिए। है चले 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 नेक्स्ट पे आते हैं अ प्लेस थ्रू विच डेटा कैन एंटर और लीव अ कंप्यूटर इज कॉल्ड क्या बोलते हैं इस प्लेस को चलिए तो इसका करेक्ट आंसर है पोर्ट ठीक है इर्फू बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने पहले बोला इसका पोर्ट आंसर है चलिए नेक्स्ट पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट कौन सा जो है इनमें से जो सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर नाम बिल्कुल वानी ताहा आपने करेक्ट आंसर दिया चलिए नेक्स्ट पे आते हैं बूटिंग द सिस्टम मीन्स ठीक है क्या मतलब है बूटिंग का इसका करेक्ट आंसर है लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम यस रईस खान बिल्कुल आपने करेक्ट आंसर दिया है पहले चलिए नेक्स्ट पे आते हैं चलिए एन एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज द रोज ऑफ अ टेबल इज नोन एज द डाल डिश की कौन सी की है तो इसका करेक्ट आंसर है प्राइमरी की साहिला बानू बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया आपने चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं इन विंडोज आईक शो सच एज एड और रिमूव प्रोग्राम्स एड न्यू हार्डवेयर मॉडर्म्स एटसेट्रा आर फाउंड इन तो इसका करेक्ट आंसर है कंट्रोल पैनल ओके जी वानीताह बिल्कुल करेक्ट आंसर है कंट्रोल पैनल ठीक है चलिए नेक्स्ट पे आते हैं DVD इज टीवी क्या है तो इसका करेक्ट आंसर है डिजिटल इट्स डिजिटल वर्सटाइल डिस्क ठीक है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है मिस्टर एट बिल्कुल करेक्ट आंसर बोला है आपने पहले चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं फाइंड मैन आउट ठीक है इनमें से ऑड देख लीजिए उसको आउट कीजिए तो इसका करेक्ट आंसर है एक्सेल ठीक प्रिंस महाराज बिल्कुल लक्षुर बिल्कुल करेक्ट आंसर बोला है आप लोगों ने पहले चलिए नेक्स्ट पे आते हैं इन एम एस एक्सएल विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वैल्यूज इन अ वर्कशीट चलिए इसका करेक्ट आंसर है चार्ट ठीक है बिल्कुल मिस्टर राइट right, आपने बिल्कुल राइट आंसर दिया है ठीक है पहले चलिए नेक्स्ट पे आते हैं स्पीड ऑफ प्रोसेसर चिप इज मेजर्ड इन किसमें मेजर होती है तो इसका करेक्ट आंसर है एमएस मेगा ठीक है यस मिस्टर एट बिल्कुल एंड उमर हाशिम आपने भी पहले इसका करेक्ट आंसर दिया चलिए नेक्स्ट पे आते हैं ओके विच कमांड इज नॉट यूज टू स्विच ऑफ द कंप्यूटर इनमें से किस कमांड को जो यूज करके हम स्विच ऑफ नहीं कर सकते हैं मतलब इसको यूज नहीं कर सकते इज नॉट यूज स्विच ऑफ द कंप्यूटर ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है हाइबनेट ओके okay? जी कार्नियल राजपूत बिल्कुल हाइबनेट आपका करेक्ट आंसर है चलिए नेक्स्ट पे आते हैं साइनोनियम ऑफ इंटरनेट इज क्या है साइनोनियम इंटरनेट का तो इसका करेक्ट आंसर है साइबर स्पेस ओके okay? साइनोनियम साइबर स्पेस जी डार जुनेद बिल्कुल करेक्ट आंसर बोला आपने पहले चले नेक्स्ट पे आते हैं द मोस्ट क्रूशल पोर्शन ऑफ एनी कंप्यूटर इज द मोस्ट क्रूशल जो पोर्शन है किसी भी कंप्यूटर का कौन सा होता है मोस्ट क्रूशल ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर है सीपीयू बिल्कुल शेख बतूला बिल्कुल करेक्ट आंसर बोला है आपने सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है मोस्ट क्रूशल पार्ट होता है चलिए नेक्स्ट पे आते हैं वर्ड मल्टीपल वर्ड्स लाइन्स और पैराग्राफ्स कैन बी सिलेक्ट बाई यूजिंग इन की तो इसका करेक्ट आंसर है कंट्रोल ओके जी दिशा भागत जी दिशा भागत आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर बोला पहले चलिए नेक्स्ट पे आते हैं पिक द ऑड वन आउट इसमें से जो है ऑड वन पिक करिए तो है रोम ओके okay? जी करल राजपूत बिल्कुल ठीक करेक्ट आंसर दिया आपने पहले चले नेक्स्ट पे आते हैं मेजोरिटी ऑफ द एरर्स ब्लेम्ड ऑन कंप्यूटर्स आर एक्चुअली ड्यू टू ठीक है किसकी वजह से होते हैं मेजोरिटी ऑफ एरर्स मेजोरिटी एरर्स तो करेक्ट आंसर है डेटा एंट्री एरर्स यस आकिब खान बिल्कुल करेक्ट आंसर बोला आपने पहले डेटा एंट्री एरर्स मेजोरिटी होते हैं ठीक है थीके? नेक्स्ट पे आते हैं द लाइनमेंट ऑफ बिगनिंग एंड द एंड ऑफ लाइन इज रेफर टू एज करेक्ट आंसर है जस्टिफिकेशन वेरी गुड उमर हाशिम आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है जस्टिफिकेशन बोलते हैं उसको चलिए नेक्स्ट पे आते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉजिकल ऑपरेटर कौन सा इनमें से है जो कि लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है ठीक है करेक्ट आंसर है एड मोहित राजपूत बिल्कुल करेक्ट आंसर बोला आपने एड एडीडी नहीं है लॉजिकल ऑपरेटर चलिए नेक्स्ट पे आते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट इनमें से देखते हैं परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन स्टोर डेटा परफॉर्म कंपेरिजन कॉम्युनिकेट विद इनपुट डिवाइसेस इनमें से कौन सा ट्रू है ठीक है चलिए बताइए तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ ठीक है वन एंड थर्ड परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड परफॉर्म कंपेरिजन है ना यू का यही फंक्शन है ठीक है तो चलिए उमर हाशिम बिल्कुल करेक्ट आंसर बोला आपने बिल्कुल वानी था आपने भी बिल्कुल करेक्ट आंसर बोला है पहले चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं इन वर्ड प्रोसेसिंग मूविंग लेक्सी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज क्या बोलते हैं इसको काट एंड पेस्ट है ना तो यस yes. चलिए प्रिंस महाराज आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर बोला है पहले चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं व्हाट एमएस डॉस कमांड इज यूज टू क्रिएट अ सब डायरेक्टरी चलिए आंसर बताइए इसका करेक्ट आंसर है एम के डी आई आर ओके यस yes, चलिए इसका करेक्ट आंसर रईस खान बिल्कुल आपने पहले करेक्ट आंसर दिया है चलिए नेक्स्ट पे आते हैं विच वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर परचेज बाई इंडिया फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग तो इसका करेक्ट आंसर है क्रे एक्स एम पी फोर्टीन ठीक है मुमताज लोन बिल्कुल आपने इसका पहले करेक्ट आंसर दिया है चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं Microsoft Excel Microsoft Excel क्या है तो इसका करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है ना जी नवीद अली बिल्कुल करेक्ट आंसर बोला आपने पहले चलिए नेक्स्ट पे आते हैं विच अमंग स्टैंड सॉरी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इज द मोस्ट वाइडली यूज बाय द इंटरनेट ठीक है इसमें से कौन सा प्रोटोकॉल जो है मोस्ट वाइडली इंटरनेट के लिए यूज होता है तो इसका करेक्ट आंसर है टीसीपी एंड आईपी बिल्कुल मोहम्मद साकिब आपने बिल्कुल पहले करेक्ट आंसर दिया है चलिए नेक्स्ट पे आते हैं वट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम वुड बी रिकॉग्नाइज बाई डिजिटल सर्किट्स तो इसका करेक्ट आंसर है बाइनरी सिस्टम ठीक है मिस्टर रेड बिल्कुल आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है साक्षी राजपूत आपने भी करेक्ट आंसर दिया है पहले चलिए नेक्स्ट पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपैक्ट प्रिंटर इनमें से कौन सा है इंपैक्ट प्रिंटर तो करेक्ट आंसर है डेजी व्हील प्रिंटर मोहम्मद साकिब बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है आपने मानी था हाँ आपने भी ओके चलिए नेक्स्ट पे आते हैं आइडेंटिफाई टर्म अमंगस्त द फॉलोइंग ग्रुप इनमें से ऑड टर्म देखिए कौन सी है ठीक है माइक्रोवेव्स ठीक मोहम्मद साकिब बिल्कुल करेक्ट आंसर बोला आपने माइक्रोवेव्स चलिए नेक्स्ट पे आते हैं द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज बिल्ड बाय किसने पहला कंप्यूटर माउस बिल्ड किया था तो करेक्ट आंसर है जी, चौधरी जी, बिल्कुल आंसर आपने बोला मिस्टर एड आपने भी ठीक है चलिए नेक्स्ट पे आते हैं कलेक्शन ऑफ एच डी एम एल पेज मेक्स अप कलेक्शन एच डी एम एल पेज का क्या बनाता है तो इसका जो है, यानि कि वो, आ, वेब पेज तो का ही बना होता है, Web, है तो इसका करेक्ट आंसर जो है वर्ल्ड वाइड वेब आएगा ठीक है क्योंकि वेब पेज ही मार्क करते हैं मेक करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब ठीक है Web, बनाते हैं वर्ल्ड वाइड वेब तो इसका करेक्ट आंसर जो है थर्ड आएगा यहाँ पे ठीक है इन्होंने डाला हमारे पास अगर हमारे पास वेब पेज ऑप्शन होता तो हम ऐसे ही रखते ठीक है तो वेब पेज से वर्ल्ड वाइड वेब एच डी एम एल पेज हमारा वेब बनाते है, है? चलिए जी जी नेक्स्ट आते हैं द टेक्नोलॉजी दैट यूज टू एस्टैब्लिश वायरलेस नेटवर्किंग इज चलिए बताइए करेक्ट आंसर इसका तो इसका करेक्ट आंसर है ब्लूटूथ वेरी गुड प्रिंस महाराज बिल्कुल करेक्ट आंसर बोला आपने चलिए नेक्स्ट पे आते हैं वट इज यूएसबी यूएसबी क्या है यूएसबी है यूनिवर्सल सीरियल बस जी महाराज लोन बिल्कुल करेक्ट एंड मिस्टर एट आपने भी बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है पहले चलिए नेक्स्ट पे आते हैं सन लैब्स जावा कार यूज डार्ट टेक्नोलॉजी टू कीप योर कार नेटवर्क नेटवर्क विद द वर्ल्ड आउटसाइड कौन सा करेक्ट आंसर है इसमें से एम्बेड ठीक है ओके मोहम्मद साकिब बिल्कुल करेक्ट आंसर बोला है आपने पहले चलिए एम बेड इसका करेक्ट आंसर है चलिए नेक्स्ट पे आते हैं आइडेंटिफाई द एल आई एफ ओ लास्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई करिए और मुझे बताइए जल्दी से तो इसका करेक्ट आंसर है स्टाक ओके नवीद अली बिल्कुल करेक्ट आंसर है मिस्टर एट आपने बी पहले करेक्ट आंसर दिया है तो इसका करेक्ट आंसर है स्टाक नेक्स्ट पे आते हैं Who is the founder of Facebook, which is currently the number one social networking website in India? कौन है founder? Yes, it's a correct answer Hai. Mark Zuckerberg. ठीक है? जी बिल्कुल। मधुरिमा राजपूत, Prince महराज बिल्कुल correct answer बोले हैं आपने चलिए next पे आते हैं। वेट थोड़ा सा पानी पी लेती हूं ओके okay. चलिए जी स्टार्ट करते हैं इन प्रोग्रामिंग रिपीटिंग सम स्टेटमेंट इज यूजुअली कॉल्ड क्या बोलते हैं इसको चलिए आंसर्स तो पहले से ही आना स्टार्ट हो गए तो इसका करेक्ट आंसर है लूपिंग बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारों ने पहले ही आंसर दे दिए क्वेश्चन देख के चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम से कौन सा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर है मल्टी यूजर सिंगल टास्किंग ओके यस मिस्टर एट बिल्कुल करेक्ट आंसर बोला आपने चलिए नेक्स्ट पे आते हैं असिस्टम प्रोग्राम डिजाइंड टू एड द प्रोग्रामर इन फाइंडिंग एंड करेक्टिंग एरर्स और बग्स इज नोन एज कौन सा प्रोग्राम क्या बोला जाता है इसको डी बिल्कुल लक शुड बिल्कुल ठीक करेक्ट आंसर आपने बोला है डांच आपने भी बिल्कुल करेक्ट आंसर पहले बोला है चलिए नेक्स्ट पे आते हैं इन द न्यूक्लियर रिएक्टर मॉडरेटर्स आर यूज टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स ठीक है इसका करेक्ट आंसर है स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स बिल्कुल मिस्टर रेट आपने पहले करेक्ट आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है चलिए नेक्स्ट पे आते हैं इन एच टी एम एल टैक्स कॉन्सिस्ट ऑफ की वर्ड्स एंड क्लोज इन इसका करेक्ट आंसर है एंगुलर ब्रेकेट्स ठीक है प्रिंस महाराज बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने दिया है एंगुलर ब्रेकेट इसका करेक्ट आंसर है तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं डायजेस्ट प्रिंटर कैन नॉट प्रिंट मोर देन वन करेक्टर एट अ टाइम कौन सा प्रिंटर जो है जो एक टाइम पे मोर देन वन करेक्टर प्रिंट नहीं कर सकता है तो इसका करेक्ट आंसर है डेजी व्हील जी मागरे इम्तियाज बिल्कुल करेक्ट आंसर बोला है आपने चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं द वेस्ट जनरेटेड बाय एंड लाइक पर्सनल कंप्यूटर इज नोन एज क्या बोला बोला जाता है इसको करेक्ट आंसर है ई e वेस्ट ठीक है बिल्कुल मोहम्मद साकिब करेक्ट आंसर दिया है आपने ई वेस्ट बोल, बोलते हैं इसको ठीक है चलिए नेक्स्ट पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड कौन सी है इसमें डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड तो करेक्ट आंसर है इसका फॉर्मैट मिस्टर एट गुड लक वेरी गुड आपने भी करेक्ट आंसर दिया चलिए नेक्स्ट पे आते हैं टाइप ऑफ इंटरनेट अकाउंट इन विच द कंप्यूटर इज नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली टू द नेट तो इसका करेक्ट आंसर है टीसीपीएन आईपी अकाउंट ओके चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं अ कंप्यूटर प्रोग्राम सॉरी अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफन यूज बाई चिल्ड्रन इज कौन सी है ये लैंग्वेज तो करेक्ट आंसर है लोगो यस मिस्टर रेड बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया आपने लोगो अ पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर स्मॉल इनफ टू फिट ऑन योर लैप इज कॉल्ड कौन सा है ये पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर जो आपकी लैप में आ सकता है तो इसका करेक्ट आंसर है नोटबुक कंप्यूटर सबसे पहले आंसर किसने दिया जी रईस खान एंड मधुरीमा राजपूत बिल्कुल आप लोगों ने पहले आंसर दिया चले नेक्स्ट पे आते हैं इज अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स द प्रोग्राम फ्रॉम करेक्ट आंसर है असेंबली टू मशीन किसने पहले आंसर दिया चले बताइए लकुटर बिल्कुल आपने पहले आंसर दिया इसका चले नेक्स्ट पे आते हैं आइडेंटिफाई द डीबीएमएस अमंग द फॉलोइंग पी एल एंड एस चलिए जी सबसे पहले आंसर लग शुर आपने दिया चलिए नेक्स्ट पे आ, आते हैं द डेटा बेस इन विच रिकॉर्ड्स और ऑर्गेनाइज्ड इन अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर तो उसको क्या बोला जाता है हायराइरकल जी तो चौधरी जी बिल्कुल आपने पहले करेक्ट आंसर दिया है चलिए हायराइल डेटा नेक्स्ट पे आते हैं वॉट इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कॉन्टेन तो करेक्ट आंसर है वेल्व चलिए पहले किसने आंसर दिया इसका जी वानी ताहा बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया आपने पहले चलिए नेक्स्ट पे आते हैं टेबल इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्टेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द ओपन फाइल्स तो इसका करेक्ट आंसर है ओपन फाइल टेबल चलिए पहले आंसर किसने दिया जी मधुरिमा राजपूत जी ओपन फाइल टेबल बोलते हैं इसको चलिए डेस्क पे आते हैं बाई डिफॉल्ट टू रन एन एप्लीकेशन थ्रू माउस विच वन ऑफ द फॉलोइंगज टू बी डन तो करेक्ट आंसर इसका डबल क्लिक पहले आंसर लकड़चुर आपने दिया चलिए नेक्स्ट पे आते हैं वन किलो बिट इज इक्वल डैश डैश बिट्स वन जीरो टू फोर बिट्स यस मोहम्मद यावर सबसे पहले आपने आंसर दिया चलिए नेक्स्ट पे आते हैं

ओके okay? तो सबसे पहले किसने बोला यस yes, साक्षी राजपूत ओके okay. चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं सी आर एम इन द कॉन्टेक्स ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन मीन्स तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इसका करेक्ट आंसर है सबसे पहले आते बिलाल अहमद आपने बिल्कुल सही बोला चलिए नेक्स्ट पे आते हैं चलिए है, तो है, नेक्स्ट पे? पे आते हैं कंप्यूटर वुड बी यूज फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग देशन तो इसका करेक्ट आंसर है वेदर कास्टिंग चलिए सबसे पहले किसने आंसर दिया यहाँ पे रईस खान जी चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेसिपियंट आर देयर इन एन ई मेल सिस्टम तो करेक्ट आंसर है थ्री बिल्कुल मिस्ट्रेट ने सबसे पहले आंसर दिया थ्री चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज सेकेंडरी स्टोरेज सिस्टम इन कंप्यूटर तो करेक्ट आंसर है फ्लॉपी जी सबसे पहले आंसर किसने दिया साक्षी राजपूत गुड चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज इज सूटेबल फॉर मल्टी यूजर इसका करेक्ट आंसर है जी सबसे पहले आंसर इसका आरिफ हसन जी राज कुरैशी आपने भी इसका सबसे पहले आंसर दिया चलिए नेक्स्ट पे आते हैं द आई पी एम डी ओ एस इज अ आईपीएम डी क्या है एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ओके सबसे पहले आंसर जी बिलाल अहमद आपने दिया है चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं द न्यू टेक्नोलॉजी विच इज इमर्जिंग इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर इज तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी ओके चलिए नेक्स्ट पे आते हैं Which one is not an extension of a picture file on a computer? चलिए जी .dot mdbs इसका करेक्ट आंसर है। सबसे पहले आंसर यहाँ पे जी उमर हाशिम आपने दिया चलिए नेक्स्ट पे आते हैं सबके नाम नहीं ले पाती हूँ सॉरी चलिए नेक्स्ट पे आते हैं Which major of memory is the largest? करेक्ट आंसर है टेराबाइट बिल्कुल सबसे पहले आंसर यहां पे शूर आपने दिया बिल्कुल चलिए नेक्स्ट पे आते हैं टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ पर्सन हु प्लेंटी ऑफ टाइम ऑनलाइन एक्सप्लोरिंग द इंटरनेट इज क्या बोला जाता है इसको इसको बोला जाता है नेट एडिक्ट बिल्कुल नेट एडिक्ट सबसे करेक्ट आंसर यहां पे एंड सबसे पहले किसने दिया जी राइस खान ओके ओके चलिए नेक्स्ट पे आते हैं द सेकंड मोस्ट यूज लैंग्वेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब इज तो इसका करेक्ट आंसर है चाइनीज ओके okay, सबसे पहले आंसर यहां पे मिस्टर एट आपने दिया है ठीक है चलिए नेक्स्ट पे आते हैं Different computers are connected to a LAN by a cable and a. तो इसका करेक्ट आंसर इंटरफ़ेस कार्ड ओके इंटरफ़ेस कार्ड ठीक सबसे पहले आंसर यहां पे उमर हाशिम ओके okay, आपने दिया है चलिए नेक्स्ट पे आते हैं च वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द टॉप एक्सपोर्टर कंपनी ऑफ सॉफ्टवेयर इन टू थाउजेंड वन इन इंडिया तो इसका करेक्ट आंसर है टीसीएस ठीक है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस ओके यस यहां पर सबसे पहले आंसर किसने दिया जी साक्षी राजपूत बिल्कुल चलिए नेक्स्ट पे आते हैं विच टाइप ऑफ फंक्शन डज द एनालिटिकल इंजन परफॉर्म कौन सा फंक्शन जो है एनालिटिकल इंजन परफॉर्म करता है तो इसका करेक्ट आंसर है एथमेटिक फंक्शंस जी सबसे पहले आंसर यहाँ पे मोहम्मद साकिब आपने दिया चलिए नेक्स्ट पे आते हैं विच एप्लीकेशन इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज फीजल फॉर प्रपेयरिंग प्रेजेंटेशन्स किस एप्लीकेशन से जो है प्रपरेशन हम प्रपेयर करते हैं ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जी सबसे करेक्ट आंसर यहाँ पे पहले आई I मीन mean, पहले आंसर यहाँ पे महाराज आपने दिया है चले नेक्स्ट पे आते हैं ओके okay, ओके okay, ज्यादा ध्यान मेरा चैट पे नहीं जा रहा है तो सबका नाम नहीं ले रही हूं तो चलिए जी द लैंग्वेज विच वॉज यूज टू बिल्ड इंटरनेट पेज इन द बिगनिंग ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी इज तो इसका करेक्ट आंसर है एस टी एम एल यस सबसे पहले यहाँ पे आंसर दीपक हंसा जी आपने दिया चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ रीड ओनली मेमोरी इज मोस्ट एडवांस फॉर्म रीड ओनली मेमोरी की कौन सी है तो इसका करेक्ट आंसर है ई e प्रोम जी यहां पे पहले आंसर साक्षी राजपूत आपने दिया है चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेटेड वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन वन एट अ टाइम इन टू मैशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड एन अ और एन क्या बोलते हैं इसको इस कॉल्ड एन इंटरप्रेटर बिल्कुल ठीक चलिए यहां पे सबसे पहले आंसर यहां पे सबिया जान ने दिया ओके okay. नेक्स्ट पे आते हैं एन आस्पेक्ट ऑफ इनपुट और आउटपुट कंट्रोलर ऑफ डेटा लॉजिक इज कॉल्ड तो इसका करेक्ट आंसर है बफरिंग यस yes, यहां पे करेक्ट आंसर बिलाल अहमद आपने पहले यहां पे आंसर दिया है चलिए चलिए नेक्स्ट पे आते हैं वट डज बायस स्टैंड फॉर तो इसका करेक्ट आंसर है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ओके जी किसने पहले आंसर दिया साक्षी राजपूत आपने पहले आंसर दिया है चलिए चलिए नेक्स्ट पे आते हैं द प्रोसेस ऑफ कंबाइंड स्ट्रिंग्स इज नोन एज क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को तो इसका करेक्ट आंसर है कॉन्टिनेशन जी अली बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने बोला यहां पे पहले चले नेक्स्ट पे आते हैं विच कॉम्पोनेंट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग कैलकुलेशन इन कंप्यूटर तो इसका करेक्ट आंसर है एथमेटिक लॉजिक यूनिट जी यहां पे पहले आंसर uh, किसने दिया कुछ शुरू आपने दिया है चले चले नेक्स्ट पे चलते हैं ओके okay. जी हार्ड कॉपीज कैन बी ऑबेन फ्रॉम हार्ड कॉपीज हम किससे ऑप्टेन करते हैं तो इसका आंसर प्रिंटर जी किसने पहले आंसर दिया मिस्टर एट कुछ कुछ आपने पहले आंसर दिया चलिए नेक्स्ट पे आते हैं टेलनेट स्टैंड फॉर टेलनेट स्टैंड फॉर चलिए जल्दी से बताइए टेलीफोन नेटवर्क जी यहां पे सबसे पहले आंसर मधुरिमा राजपूत आपने दिया चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं द पॉपुलर सर्च इंजिन गूगल डिराइव इट्स नेम फ्रॉम द वर्ड गूगल वट डज द वर्ड मीन ठीक है क्या मतलब है इस गूगोल का जिससे ये वर्ड गूगल डिराइव किया गया है तो इसका करेक्ट आंसर है टू न्यूमरल वन फॉलोड बाय द बाय अ हंड्रेड जीरोस, ओके जी यहां पे सबसे पहले आंसर मिस्टर एट आपने दिया बिल्कुल चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं द टाइम बिटवीन प्रोग्राम इनपुट एंड आउटपुट इज कॉल्ड क्या बोलते हैं इसको टर्न अराउंड टाइम बोलते हैं ठीक है करेक्ट आंसर है चलिए जी यहां पे सबसे पहले आंसर रजीना आपने दिया टर्न अराउंड टाइम चलिए नेक्स्ट पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज जनरली यूज टू चेक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तो इसका करेक्ट आंसर है ओ एम आर ओके चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं द सेक्शन ऑफ द सीपीयू दैट सीपीलेक्ट इंटरप्रेट एंड मॉनिटर्स द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज तो इसका करेक्ट आंसर है कंट्रोल यूनिट जी यहां पे किसने आंसर दिया पहले वसीम राजा ओके चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर इन द मार्केट तो इसका करेक्ट आंसर है इप्सन सॉरी इप्सन इसका करेक्ट आंसर है यस yes, यहां पे सबसे पहले कि उन्होंने आंसर दिया कतल पिंकी कटल पिंकी सॉरी तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं फिफ्थ जेनरेशन कंप्यूटर्स आर फिफ्थ जेनरेशन कंप्यूटर्स कौन से हैं ज प्रोसेसर्स चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं जी यहां पे दानिश रशीद आपने पहले आंसर दिया चलिए नेक्स्ट पे आते हैं द इंडियन सुपर कंप्यूटर बिल्ट बाय सी आर एल पुणे विच रैंक फोर्थ फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड एंड द मोस्ट पावरफुल इन एशिया इज कॉल्ड क्या बोलते हैं इस कंप्यूटर को तो इसका करेक्ट आंसर है इका, ठीक है इका नाम है इस कंप्यूटर का तो चलिए जी यहां पे किसने करेक्ट आंसर दिया है एंड किसने पहले आंसर दिया है जी 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 इक्का साक्षी राजपूत बिल्कुल चलिए चलिए नेक्स्ट पे आते हैं इन द फील्ड ऑफ इंटरनेट डब्ल्यू 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 स्टैंड फॉर सबको पता होगी वर्ल्ड वाइड वेब ठीक है तो चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं विच एप्लीकेशन इज यूज फॉर एसेसिंग द इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट ओके तो वेब ब्राउजर इसका करेक्ट आंसर है जी यहां पे सबसे पहले किसने आंसर दिया इर्शाद इस्माइल ओके okay. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं इन अ कंप्यूटर सिस्टम विच डिवाइस इज फंक्शनली अपोजिट टू अ कीबोर्ड चलिए यहां पे इसका करेक्ट आंसर है प्रिंटर ठीक है फंक्शनली वो इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है ठीक है फंक्शन कीबोर्ड का आप देखिए ठीक है, है उस हिसाब से आप बताइए तो कीबोर्ड इसका करेक्ट आंसर है बिल्कुल यहां पे सबसे पहले यहां पे आंसर ओके बिलाल अहमद जी आपने दिया है चलिए नेक्स्ट पे आते हैं राम इज यूज एज अ शॉर्ट मेमरी इन अ कंप्यूटर बिकॉज इट बिकॉज इट इज वॉलेटाइल है ना तो चलिए यहां पर सबसे पहले आंसर हमें चौधरी जी ने दिया है चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं डी टी पी स्टैंड फॉर डी टीपी स्टैंड फॉर डेस्कटॉप पब्लिशिंग ओके जी पहले आंसर वसीम राजा आपने दिया इसका चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज एज अ प्राइमरी मेमरी ऑफ कंप्यूटर ठीक है किसको इस्तेमाल किया जाता है इसमें से एज अ प्राइमरी मेमरी ऑफ कंप्यूटर तो इसका करेक्ट आंसर है राम जी बिल्कुल यहां पे पहले आंसर हुआ बिल्कुल आपने दिया है चले नेक्स्ट पे आते हैं वट इज यूज टू आइडेंटिफाई a data वर्ड हैज एन ऑर्ड और इवन नंबर ऑफ ones? तो इसका करेक्ट आंसर है पैट्रिटिबेट ओके पैरिटी पैरोटिबेट सॉरी पैरिटी पैरोटिबेट जी दानिश रशीद आपने इसका पहले आंसर दिया है चलिए नेक्स्ट पे आते हैं रीअरेंजिंग एंड एलोकेटिंग स्पेस इन मेमोरी टू प्रोवाइड फॉर मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क इज कॉल्ड तो इसका करेक्ट आंसर है मेमोरी मैनेजमेंट ओके okay, yes, यस पे सबसे पहले आंसर जी लाक आपने दिया है चलिए नेक्स्ट पे आते हैं प्रोग्राम दैट इंटरप्रेट्स एंड डिस्प्लेज वेब पेज ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर है वेब ब्राउजर जी मुमताज हुसैन आपने करेक्ट आंसर दिया पहले चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं सॉरी थोड़ा सा आराम से बैठती हूं ओके पीएसडब्ल्यू पीएसडब्ल्यू स्टैंड फॉर चलिए जल्दी से बताइए पीएसडब्ल्यू स्टैंड फॉर फॉर प्रोग्राम status वर्ड ओके चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं द टेक्नोलॉजी यूज इन द इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर इज कौन सी टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में यूज की जाती है तो इसका करेक्ट आंसर है micro, my, micro है? माइक माइक्रो ठीक चलिए जी नेक्स्ट पे बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेटा हाईरायर ठीक है कौन सा है इसमें से जो है असेंडिंग ऑर्डर में है डेटा में है ठीक है चलिए आंसर देखिए तो इसका करेक्ट आंसर है बिट आता है बाइट फील्ड रिकॉर्ड फाइल डेटाबेस ओके चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अब मैं ज्यादा आप लोगों के नाम नहीं पढ़ पाऊंगी टाइम यहां से कंज्यूम हो रहा है ठीक है तो क्वेश्चंस पे ही ज्यादा फोकस करते हैं बीच बीच में मैं लूंगी आपका नाम कौन सबसे पहले आंसर दे रहा है चलिए जी कंप्यूटर एग्जीक्यूट प्रोग्राम इन द सीक्वेंस ऑफ ठीक है कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम इन द सीक्वेंस ऑफ तो करेक्ट आंसर है थर्ड फेच डिकोड एग्जीक्यूट चलिए नेक्स्ट पे आते हैं टू स्पेसिफिक हीट्स ऑफ गैसेज आर रिलेटेड बाय ठीक है स्पेसिफिक हीट्स ऑफ गैसेज आर रिलेटेड बाय इसका करेक्ट आंसर है सी पी माइनस सीवी इज इक्वल टू ऑर बाई चलिए नेक्स्ट पे आते हैं इन आर डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसको DBMS भी बोला जाता है द कॉन्टेंट एंड द लोकेशन ऑफ द डेटा इज डिफाइंड बाई द ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर है मेटा डेटा ओके चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ विन डाउन एन एंटी ठीक है क्या स्पेशलिटी है इसकी तो इसका करेक्ट आंसर है स्पोर्ट्स मल्टी प्रोसेसिंग ओके चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं आफ्टर पी रॉन्ग इज प्रोग्रामड वी कैन ओनली डैश डैश द इंफॉर्मेशन ओके तो इसका करेक्ट आंसर है रीड वी कैन ओनली रीड द इंफॉर्मेशन चलिए नेक्स्ट पे आते हैं मरी ठीक है तो करेक्ट आंसर है सेकेंड वाला चलिए नेक्स्ट पे आते हैं टर्म यू आर एल यूज इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी स्टैंड फॉर ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ओके चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं Which ऑफ द फॉलोइंग मेमरीज मस्ट बी रिफ्रेश मेनी टाइम्स पर सेकेंड ठीक है कौन सी मेमरी को हमें बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर है डायनेमिक रैम को ठीक है डायनेमिक रैम को हमें बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन इनमें से कौन सा वाला जो है ऑर्ड है ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर है एस एन एम पी ओके चलिए नेक्स्ट पे आते हैं यूएस बी इज अ डार्जेस्ट टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस यूएस बी कौन सा टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस है तो इसका करेक्ट आंसर है सेकेंडरी ओके चलिए जी जी बिलाल अहमद आपने पहले आंसर दिया इसका चलिए नेक्स्ट पे आते हैं द फास्टेस्ट कॉस्टलियर एंड रिलेटिवली स्मॉल फॉर्म ऑफ स्टोरेज मैनेजड बाई द कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर इज तो इसका करेक्ट आंसर है कैशे कैशे मेमरी ठीक है ओके okay? जी बिल्कुल आप लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं सब चलिए नेक्स्ट पे आते हैं ऑल फॉर्म्स ऑफ रोम आर आल्सो नोन एज तो इसका करेक्ट आंसर है वेयर ठीक है चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं द सिंपलेस्ट सी पी यू स्केड्यूलिंग एलगोरिद इज तो इसका करेक्ट आंसर है एफ सी एफ एस ठीक है एफ सी एफ एस एल्गोरिदम चलिए चलिए नेक्स्ट पे आते हैं विच टाइप ऑफ स्विचिंग इज यूज इन इंटरनेट तो इसका करेक्ट आंसर है पैकेट स्विचिंग ठीक है ओके जी सबसे पहले वाली था आपने आंसर दिया इसका चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं ब्रेकिंग फिजिकल मेमोरी इनटू टू फिक्स साइज ब्लॉक्स कॉल्ड एज क्या बोलते हैं उसको फ्रेम्स ओके तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेम्स चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं Network of a series of vertical and horizontal lines lines constructed perpendicular to each other is known as तो so, इसका करेक्ट आंसर है ग्रिड जी यहां पे प्रिंस महाराज आपने सबसे पहले आंसर दिया चलिए नेक्स्ट पे आते हैं इन ऑपरेटिंग सिस्टम राउंड रॉबिन स्केडलिंग मींस तो इसका करेक्ट आंसर है अ काइंड ऑफ स्केड्यूलिंग ठीक है चलिए फोर्टरान इज कॉल्ड फोर्ट्रेन को क्या बोला जाता है फॉर्मूला ट्रांसलेटर ओके चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इन लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड क्या बोलते हैं इसको तो इसका करेक्ट आंसर है सॉर्टिंग जी यहां पे सबसे पहले मिस्टर एट आपने बोला करेक्ट आंसर चलिए चलिए नेक्स्ट पे आते हैं द टर्म गीगो इज रिलेटेड टू टर्म गीगो किसके रिलेटेड है तो यहां पे करेक्ट आंसर इसका है एक्यूरेसी ओके चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर मेमरीज इज नॉन वॉलोटाइल कौन सी है इसमें मेमरीज में नॉन वॉलोटाइल ठीक है ओके okay? तो इसका करेक्ट आंसर है रॉम जी नेक्स्ट पे आते हैं इन प्रेजेंट डे कंप्यूटिंग विच कोड इज यूज एंड इज एक्सेप्ट वर्ल्ड वाइड कौन सा कोड आज यूज होता है एंड एक्सेप्ट होता है वर्ल्ड वाइड तो इसका करेक्ट आंसर है ए एस सी ठीक है सी सेकेंड सॉरी चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है जो इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर है ओपेरा जी यहां पे सबसे पहले प्रिंस महराज आपने आंसर दिया इसका चलिए नेक्स्ट पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रोटेक्ट ऑब्जेक्ट इन कंप्यूटर सिस्टम इन द एबसेंस ऑफ मोर कंप्लीट प्रोटेक्शन स्कीम्स ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर है पासवर्ड्स ठीक है जी बिल्कुल सबसे पहले आंसर महरीन जान आपने दिया है नेक्स्ट पे आते हैं कंप्यूटर and recent requests इज known as तो इसका करेक्ट आंसर है प्रॉक्सी सर्वर जी शेख आमिर रशीद सबसे पहले आपने आंसर दिया नेक्स्ट पे आते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर यूज्ड टू कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को किस लिए यूज किया जाता है तो इसका करेक्ट आंसर है टू रिसीव एंड रीडायरेक्ट कॉम्युनिकेशन सिग्नल्स ओके चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं व्हाट इज एम एस डॉस एम एस डॉस क्या है तो इसका करेक्ट आंसर है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ओके नेक्स्ट पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर वेरी हाई स्पीड सर्चिंग एप्लीकेशन तो इसका करेक्ट आंसर है कॉन्टेंट एड्रेसिबल मेमरी ओके चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इज कॉल्ड एज थ्री फिंगर सैल्यूट इन कंप्यूटर्स ठीक है किस कम किस कमांड को इनमें से जो है बोला जाता है थ्री फिंगर सैल्यूट इन कंप्यूटर तो इसका करेक्ट आंसर है कंट्रोल आल्ट एंड लीड ओके चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं जी बिल्कुल सबसे पहले वानी था आपने करेक्ट आंसर दिया चलिए नेक्स्ट पे आते हैं इन कंप्यूटर साइंस डेटा कंप्यूटर साइंस में डेटा हजार ऑकर होते हैं कब सॉरी <coughs> एक क्वेश्चन मैंने बीच में छोड़ दिया पहले यही क्वेश्चन पढ़ते हैं डेटा इन डेटाबेस बेस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड क्या बोलते हैं डेटा को डेटा बेस में एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम क्या बोलते हैं ठीक है चलिए जल्दी से बताइए तो इसको बोला जाता है इसका करेक्ट आंसर है एक्सटेंशन ओके चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं इन कंप्यूटर साइंस डेटा ऑकर वेन तो इसका करेक्ट आंसर है पाइप वेन पाइप लाइन चेंज द ऑर्डर ऑफ रीड एंड राइट रीड और राइट एक्सेस टू ऑपरेट ओके चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं कैंसिलेशन ऑफ थ्रेड ऑकर्स ओनली व्हेन इट रीच अ कैंसिलेशन पॉइंट टू एरर पॉइंट ठीक है सॉरी तो ये सेकंड ऑप्शन इसका तो इसका करेक्ट आंसर है कैंसिलेशन पॉइंट कैंस पॉइंट ओके चलिए जी अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अ इज अ कंप्यूटर एप्लीकेशन एप्लस और राउटर दैट सिट्स बिटवीन द ट्रस्टेड एंड अनट्रस्टेड सिस्टम ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर है फायर वॉल ठीक है फायर वॉल जी बिल्कुल यहां पे सबसे पहले साक्षी राजपूत आपने करेक्ट आंसर बोला चले नेक्स्ट पे आते हैं वट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कार्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर को क्या बोला जाता है ठीक है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको बोला जाता है ठीक है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको बोला जाता है तो वो है सीपीयू यस ओके चलिए नेक्स्ट पे आते हैं डॉट मैट्रिक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग तो इसका करेक्ट तो आंसर है प्रिंटर चलिए चलिए नेक्स्ट पे आते हैं प्रोसेसर्स कॉन्टेन ए कंट्रोल यूनिट एंड अ एंड Processors में एक तो कंट्रोल यूनिट होता है और क्या होता है तो करेक्ट आंसर है लॉजिक यूनिट है ना चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज यूज एज सर्क्यूटरी फॉर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर है वॉक्यूम ट्यूब्स ठीक है वॉक्यूम ट्यूब्स जी सबसे पहले साक्षी राजपूत आपने आंसर दिया नेक्स्ट पे आते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज द नेम गिवन टू द कर्सर फॉर द कंप्यूटर लैंग्वेज लोगो ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर है टर्टल ओके चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड फेजेस ऑफ अ कंप्यूटर वायरस तो इसका करेक्ट आंसर है ओनली डॉमेंट प्रोपागेशन एंड ट्रिगरिंग एग्जीक्यूटिंग ठीक है चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं इन आई टी मीन्स दैट द डेटा अवेलेबल इन द डेटा बेस इज बोथ एक्यूरेट एंड कॉन्सिस्टेंट ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर है डेटा इंटीग्रिटी ठीक है डेटा इंटीग्रिटी का मतलब होता है ठीक है चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं द फर्स्ट कंप्यूटर मेड अवेलेबल फॉर commercial यूज वॉज ठीक है कौन सा पहला कंप्यूटर था जिसको अवेलेबल रखा था फॉर कमर्शियल यूज तो इसका करेक्ट आंसर है यूनिवैक जी यहाँ पे सबसे पहले जी सबसे पहले मानी था आपने आंसर दिया है इसका चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ अ यूज्ड टू अकोमोडेट अ स्पीड डिफरेंशियल तो इसका करेक्ट आंसर है कैशे ठीक है चलिए नेक्स्ट पे आते हैं वॉट इज नॉट एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस कौन सा नहीं है इसमें से एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस तो करेक्ट आंसर है रैम ओके चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं इन नेटवर्क डब्ल्यू stands स्टैंड फॉर तो इसका करेक्ट आंसर है वायर्ड इक् प्रिवेसी ओके जी बिल्कुल चौधरी जी आपने सबसे पहले आंसर दिया चलिए नेक्स्ट पे आते हैं इन आई टी टर्मिनोलॉजी फेलियर इन द कर्नल इज कॉल्ड एज तो इसका करेक्ट आंसर है क्रैश ओके चलिए जी जी सबसे पहले माधुरीमा जी आपने आंसर दिया इसका नेक्स्ट पे आते हैं अटैच इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द कॉम्युनिकेटिंग

एल यू लॉजिकल यूनिट ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर है पहला वन एंड सेकेंड ठीक है सिर्फ इसमें एक तो जी ओ आई एंडलू है ठीक है चलिए पे आते हैं प्रोसेस सॉरी डाइटा सिलेक्ट प्रोसेस फ्रॉम पूल एंड लोड इन टू मेमरी फॉर एग्जीक्यूशन ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर है जॉब स्केड्यूलर ओके चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज सूटेबल फॉर किस लिए ये सूटेबल फॉर यूनिक्स तो इसका करेक्ट आंसर है मल्टी यूजर जी बिल्कुल यहां पे सबसे पहले महरीन जान आपने करेक्ट आंसर दिया चलिए नेक्स्ट पे आते हैं इन आई टी नेटवर्किंग विच the द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज इन फिजिकल लेयर ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर है रिपीटर ठीक है ओके okay. चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं इन आई टी एसोसिएटिव मेमरी इज कॉल्ड एज आईटी में एसोसिएटिव मेमोरी को क्या बोला जाता है तो इसका करेक्ट आंसर है कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं इन नेटवर्क ए स्मॉल मैसेज यूज पास बिटवीन वन स्टेशन टू अनदर इज नोन एज तो इसका करेक्ट आंसर है टोकन, ओके? Okay? चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ डिवाइसेस विच डिवाइस इज यूज इन नेटवर्क लेयर तो इसका करेक्ट आंसर है राउटर बिल्कुल जी यहां पे सबसे पहला कुछ शुरू आपने सबसे पहले आंसर दिया चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेटेड कोड ठीक है इनमें से कौन सा नहीं है वेटेड कोड तो इसका करेक्ट आंसर है एक्स थ्री कोड ओके चलिए नेक्स्ट पे आते हैं रिलेटेड टू कंप्यूटर्स व्हाट इज वेटवेयर क्या है वेटवेयर तो इसका करेक्ट आंसर है ह्यूमन ब्रेन ओके जी यहां पे सबसे पहले हूर आपने आंसर दिया है बिल्कुल चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं इन आई टी द मेथड फॉर अपडेटिंग द मेन मेमरी एज सुन एज अ वर्ड इज रिमूव फ्रॉम द कैश इज कॉल्ड तो इसका करेक्ट आंसर है राइट बैक ओके चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं द नेटवर्क इज ओवरलोडेड विद एनामस डेटा सेंट बाई मेनी कंप्यूटर्स विद इन द नेटवर्क द इनेबिलिटी ऑफ द नेटवर्क टू डिलीवर द डेटा इज टर्म एज ठीक है क्या बोलते हैं इस इनेबिलिटी को तो इसका करेक्ट आंसर है कॉन्जेशन ओके चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं वट इज नेट न्यूट्रलिटी ठीक है क्या है नेट न्यूट्रलिटी तो इसका करेक्ट आंसर है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एंड गवर्नमेंट शुड ट्रीट ऑल डेटा ऑन द इंटरनेट इक्वली ठीक है उसको नेट न्यूट्रलिटी बोला जाता है ओके okay? जी यहां पर सबसे पहले साक्षी राजपूत आपने आंसर दिया नेक्स्ट पे आते हैं In which mode can the computers that are associated send frames directly to each other? So, this mode is ad hoc. Mode bola hai. Okay? Chaliyanji. Next. Next. Die dash changes each time it is installed to avoid detection by an. Sorry, by. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ठीक है? तो चलिए यहां पे इसका करेक्ट आंसर है पॉलीमोफस वायरस ठीक है ओके यस यहाँ पे सबसे पहले आंसर लक आपने दिया चलिए नेक्स्ट पे आते हैं <coughs> इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ डिवाइस विच डिवाइस इज यूज इन डेटा लिंक लेयर ठीक है किस डिवाइस को यूज किया जाता है इन डेटा लिंक लेयर तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रिज ठीक है ओके चलिए नेक्स्ट पेज हैं विच एल्गोरिदम इज यूज टू डिसाइड द पाथ टू ट्रांसफर दैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन तो इसका करेक्ट आंसर है राउटिंग चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं जी साक्षी आपने पहले आंसर दिया एंड वानी था आपने भी चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच मैकेनिज्म इज यूज बाय द कंप्यूटर वायरस वर्म टू डुप्लीकेट इट सेल्फ तो इसका करेक्ट आंसर है स्पॉन ओके स्पॉन मैकेनिज्म चलिए नेक्स्ट पे आते हैं विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्ड प्रोसेसर इनमें से कौन है जो वर्ड प्रोसेसर नहीं है तो इसका आंसर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जी बिल्कुल यशपाल सबसे आंसर दिया इसका चलिए नेक्स्ट पे आते हैं फाइंड द ऑड वन आउट तो इसका करेक्ट आंसर है सी प्लस प्लस ओके चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं विच स्केड्यूलिंग सर्विस इज यूज टू हैंडल ट्रैफिक विद डिफरेंट प्रायोरिटीज ओके तो इसका करेक्ट आंसर है QOS Traffic स्केड्यूलिंग चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट इंटरनेट यूजर्स कहाँ पे है सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर्स तो इसका करेक्ट आंसर है चाइना क्योंकि चाइना मोस्ट पॉपुलस है फिर उसके बाद इंडिया है तो सबसे ज्यादा यूजर्स चाइना में ही है ठीक है ओके चलिए नेक्स्ट पे आते हैं डायजेस्ट इन्वॉल्व ट्रांसवर्सिंग द एंटायर फाइल सिस्टम मार्किंग एवरी थिंग दैट कैन बी असिस्ट तो इसका करेक्ट आंसर है गाबेज कलेक्शन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं प्रोग्राम्स दैट डुप्लीकेट द फंक्शनल फंक्शनैलिटी

मनी ट्रांसफर थ्रू मोबाइल इज कॉल्ड तो इसका करेक्ट आंसर है आई एम पी एस ओके आई एम पी एस यानी कि इमिडिएट पेमेंट सर्विस चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं कैश ए वर्क्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ तो इसका करेक्ट आंसर है लोकलिटी ऑफ रेफरेंस चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं विच सर्किट इज यूज टू स्टोर वन बीट ऑफ डेटा तो इसका करेक्ट आंसर है फ्लॉप ओके चलिए नेक्स्ट पे आते हैं सीपीयू कंसिस्ट्स ऑफ तो इसका करेक्ट आंसर है ऑथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट रजिस्टर्स भी इनमें होते हैं एंड कंट्रोल यूनिट भी ओके okay? जी यहां पे सबसे पहले साक्षी राजपूत आपने आंसर दिया है ओके चलिए नेक्स्ट पे आते हैं कॉन्स्टेंटली रनिंग सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेसेस आर नोन एज तो इसका करेक्ट आंसर है डेम्स ओके okay? चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं इन आई टी द टेक्निक ऑफ डिलेइंग आउट गोइंग एक्नोलेजमेंट इज नोन एज तो इसका करेक्ट आंसर है पिगी बैकिंग यस जी यहां पे सबसे पहले आंसर हकी हकीब जी आपने दिया चलिए नेक्स्ट पे आते हैं ओके, okay. UDP इज UDP क्या है तो इसका करेक्ट आंसर है कॉनेक्शनलेस प्रोटोकॉल ठीक है UDP स्टैंड्स फॉर यूजर डेटाग्रह प्रोटोकॉल ठीक है ये कॉनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है चलिए नेक्स्ट पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑपरेशन एग्जीक्यूटेड ऑन डेटा स्टोर्ड इन रजिस्टर्स तो इसको सॉरी तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है माइक्रो ऑपरेशन ओके चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं सीपीयू स्केड्यूलर इज आल्सो नोन एज तो करेक्ट आंसर है शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर ओके चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है तो इसका करेक्ट आंसर है प्राइमरी इज ऑल्सो ए कैंडिडेट की ओके चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं इन आई टी द टेक्निक दैट इज यूज टू इंक्रीज द बैंडवर्थ इज तो इसका करेक्ट आंसर है मेमरी इंटर okay ओके चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं वन डज अ पेज फॉल्ट ऑक इसका करेक्ट आंसर है प्रोग्राम एक्सेस ए पेज नॉट करंटली इन मेन मेमोरी, ठीक है ओके okay. चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं कैश मेमोरी एक्स बिटवीन कैश मेमोरी किन के बीच में होती है तो इसका करेक्ट आंसर है सीपीयू एंड रैम चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं डैट इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटिंग दैट परफॉर्म्स कंप्यूटेशन स्टोरेज एंड इन एप्लीकेशन एज अ सर्विस अक्रॉस द नेटवर्क चलिए आंसर बताइए जल्दी से तो इसका करेक्ट आंसर है क्लाउड कंप्यूटिंग जी बिल्कुल पहले आंसर यहां पे राशिद कांत आपने दिया है चलिए नेक्स्ट पे आते हैं वाई मैक्स स्टैंड्स फॉर तो इसका करेक्ट आंसर है वर्ल्ड वाइड इंटर इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस ठीक है फुल फॉर्म है वाई मैक्स का जी जी बिल्कुल यहां उठ शुड आपने सबसे पहले आंसर दिया चलिए नेक्स्ट पे आते हैं वन ऑफ द कॉमन फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग रिमोट सेंसिंग डेटा एज इंफॉर्मेशन इज इन द फॉर्म ऑफ तो इसका करेक्ट आंसर है थीमेटिक मैप्स जी बिल्कुल सबसे पहले यहां पे एसपी वीडियोस आपने दिए आंसर नेक्स्ट पे आते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वर्ल्ड लेंथ सॉरी वर्ल्ड लेंथ इज ठीक है द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ वर्ल्ड लेंथ इज तो इसका करेक्ट आंसर है बिट यस yes, बिल्कुल बिलाल अहमद आपने सबसे पहले आंसर दिया इसका चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हु इन्वेंटेड ई मेल ठीक है ई मेल किसने इन्वेंट की तो इसका करेक्ट आंसर है वी ए शिवा क्वेश्चन शायद गलत है यस yes, चलिए इस क्वेश्चन को अभी आप छोड़ दीजिए मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी ठीक है चलिए नेक्स्ट पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स आर आइडेंटिफाइड बाय द कंपाइलर ठीक है ओके तो यहां पे जो है ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन भी इन्होंने जो है इसमें ऑप्शन इन्होंने नहीं दिया है जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ठीक है तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सिंटैक्स सिंटैक्स एरर्स ठीक है या जिनको जो है डायग्नोस्टिक एरर्स भी बोला जाता है ठीक है चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं नेक्स्ट पे आते हैं डायरेक्ट एक्सेस ऑफ फाइल इज ऑल्सो नोन एज तो इसका करेक्ट आंसर है रैंडम एक्सेस ओके जी हाकिब आपने सबसे पहले आंसर दिया चले नेक्स्ट पे आते हैं डायटस इज रिक्वायर्ड टू बूट ए कंप्यूटर ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस, जी है जी बिल्कुल सबसे पहले समीर अहमद आपने करेक्ट आंसर दिया नेक्स्ट पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो टर्म्ड एज मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर ठीक है किसको जो है मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है तो इसका करेक्ट आंसर है राम जी बिल्कुल सबसे पहले वानी ताहा आपने बोला चलिए नेक्स्ट पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेज द कंप्यूटर रिसोर्सेस ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोग्राम ओके चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं बिट इज ऑल्सो नोन एज ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर है बाइनरी डिजिट जी बिल्कुल द रॉक आपने सबसे पहले आंसर दिया इसका नेक्स्ट पे आते हैं मैच द फॉलोइंग ओके तो इसका जो है सेकंड करेक्ट आंसर है वन के साथ बी ठीक है टू के साथ सी सॉरी सी सोप ठीक है एंड न्यूट्रल के साथ ए डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती है बेसिक सोप होता है एंड न्यूट्रल जो होता है डिस्टिल्ड वाटर चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं डैश बार इज लोकेटेड एट टॉप ऑफ वर्ड पैड और नोटपैड ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर है टाइटल बार ओके जी बिल्कुल सबसे पहले वाली ता आपने करेक्ट आंसर दिया ओके okay, नेक्स्ट पे आते हैं <laughs> Which among the following is not a basic logical operator in Boolean algebra laws? Okay, so let's correct answer, N -N है. है? N -N gate Okay, gate. Okay, next Any da da data or instruction entered into the memory of computer is called as तो उसको हम इनपुट बोलते हैं बिल्कुल जी प्रिंस महाराज आपने पहले आंसर दिया इसका चलिए नेक्स्ट पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज इनमें से कौन सी है जो कि कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर है जावा चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द मेन सिस्टम बोर्ड ऑफ कंप्यूटर इनमें से कौन सा है मेन सिस्टम बोर्ड कंप्यूटर का तो इसका करेक्ट आंसर है मदर बोर्ड ओके चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं सी प्लस प्लस इज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ठीक है सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जी बिल्कुल फैजान खान आपने पहले आंसर दिया चलिए नेक्स्ट पे आते हैं in which graphics digital photos and scanned images are typically stored with with extensions such as .bmp .png .jpg .tif or gif ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर है बिटमैप ओके okay? चलिए जी जी बिल्कुल वानी तहा आपने इसका पहले आंसर दिया चलिए नेक्स्ट पे आते हैं व्हाट इज अ बग इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी क्या है बग एक कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में बग जो है इसका करेक्ट आंसर है एन एरर प्रोग्राम ठीक है बग एक एरर है चलिए जी बग वायरस नहीं है ये एरर है चलिए नेक्स्ट पे आते हैं फॉलोइंग इज द मॉडिफायर की कौन सी इनमें से मॉडिफायर की इसके जो है ऑल ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि ये सारे ही मॉडिफायर कीज हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट पे आते हैं सी stands स्टैंड फॉर तो इसका करेक्ट आंसर है कंप्यूटर एडेड डिजाइन जी चलिए नेक्स्ट पे आते हैं वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ JPEG ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप ओके चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं हु इज कॉल कॉल्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किन को बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर तो इसका करेक्ट आंसर है चालीस बैबिच जी ओके okay, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं वट इज द फुल फॉर्म ऑफ आई एस डी एन आई एस डी एन की फुल फॉर्म क्या है इसका करेक्ट आंसर है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क ओके हु द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सा है जो कि इनपुट डिवाइस नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर है प्लॉटर जी बिल्कुल समीर अहमद आपने पहले आंसर दिया इसका नेक्स्ट पे आते हैं इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द फंक्शन रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू अमंग द वैल्यूज पास्ट एज आर्ग्यूमेंट तो इसका करेक्ट आंसर है मैक्स बिल्कुल सही जी बहुत सारों ने आंसर दिया इसका बिल्कुल The, the function returns the smallest value among the values passed as arguments. तो इसका करेक्ट आंसर है मिन ओके चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं डाटा सॉफ्टवेयर्स आर फ्रीली अवेलेबल एंड कैन बी एडिटेड एंड कस्टमाइज्ड बाय एनीवन. ठीक है तो इसका क्या करेक्ट आंसर है ओपन सोर्स ठीक है जी बिल्कुल बिलाल अहमद परमीत आपने सबसे पहले आंसर दिया टाइप्स हैविंग अ कॉमन नेम तो इसका करेक्ट आंसर है अरे ओके okay? जी बिल्कुल समीर अहमद आपने इसका पहले आंसर दिया चलिए नेक्स्ट पे आते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द डायस्ट फंक्शन इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स दैट कॉन्टेन नंबर विद इन द लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट सॉरी तो इसका करेक्ट आंसर है काउंट बिल्कुल चलिए नेक्स्ट पे आते हैं एज पर डेटा और स्पेस साइजेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज अरेज फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ठीक है देखिए इस सीरीज में तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ के बी फिर एम बी फिर जी बी फिर टीबी ओके चलिए नेक्स्ट पे आते हैं अ डेटा वेयर हाउस इज ऑलवेज तो इसका करेक्ट आंसर है सब्जेक्ट ओरिएंटेड ओके चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं द टर्म हैकर वॉज ओरिजिनली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर है कंप्यूटर प्रोफेशनल्स हु कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर प्रॉब्लम्स ठीक है ओके okay जी नेक्स्ट पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड इन मेगाबाइट्स तो करेक्ट आंसर है कंप्यूटर मेमोरी कैपेसिटी ओके चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं ओके सॉरी ओके विच मैथड इज यूज इन मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर तो इसका करेक्ट आंसर है बाइनरी नंबर सिस्टम ओके चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कमिंग लैंग्वेज नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रंट लाइन जी चलिए नेक्स्ट पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर इनमें से वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है तो शालीमार ओके okay. चलिए चलिए नेक्स्ट पे आते हैं मल्टीकास्टिंग इज मल्टीकास्टिंग क्या है मल्टीकास्टिंग इज सेंडिंग अ फ्रेम टू ग्रुप ऑफ ठीक है चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं जी बिल्कुल वानी था आपने सबसे पहले आंसर दिया इसका नेक्स्ट पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट इनमें से कौन सा पेयर है जो इनकरेक्ट है तो चलिए देखिए इसका आंसर जो है थर्ड है ओनली सेकेंड ठीक है माइक्रोफोन जो आउटपुट डिवाइस ठीक है चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं इफ ए कंप्यूटर हैज मोर वन प्रोसेसर देन इट इज नोन अगर कंप्यूटर में मोर देन वन प्रोसेसर होंगे तो उसको क्या बोला जाता है तो करेक्ट आंसर है मल्टी प्रोसेसर ठीक चलिए वट इज फुल फॉर्म ऑफ एस एम पी एस एस एम पी एस की फुल फॉर्म क्या है तो इसका करेक्ट आंसर है स्विच मोड पावर सप्लाई बिल्कुल चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं डॉट मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ डॉट मैट्रिक्स किसका टाइप है प्रिंटर का बिल्कुल चलिए नेक्स्ट पे आते हैं द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज कैन ओनली स्टोर डेटा बट दे के नॉट परफॉर्म क्या वो परफॉर्म नहीं कर सकते तो ऑल ऑप्शन करेक्ट है इसके वो अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं कर सकते लॉजिक ऑपरेशन नहीं कर सकते एंड फेच भी नहीं कर सकते चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ओके okay? तो so, इसका करेक्ट आंसर है जी साक्षी राजपूत सबसे पहले आपने इसका आंसर दिया ओके गुड चलिए नेक्स्ट पे आते हैं इंस्ट्रक्शंस टू कंप्यूटर आर गिवन थ्रू तो इसका करेक्ट आंसर है इनपुट यूनिट जी लक्षुड जी बिल्कुल एंड साक्षी सॉरी ये विनाक्षी है बिल्कुल विनाक्षी आपने सबसे पहले आंसर दिया चलिए नेक्स्ट पे आते हैं बी आई ओ एस इज क्या है सॉरी तो इसका करेक्ट आंसर है बी आई एस ओनली वन एंड सेकेंड बी आई ओ एस एक नॉन वोलाटाइल है एंड सॉफ्टवेयर स्टोर्ड ऑन अ स्मॉल मेमोरी चिप ऑन मदर बोर्ड ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर थर्ड हो गया चलिए नेक्स्ट पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग द्रू इन में से क्या सही है कौन सा आंसर ऑप्शन जो है वो सही है ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड आर ओ एम यानी कि रीड ओनली मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल मेमोरी ओके चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं इन विच कॉम्युनिकेशन मोड डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड इन बोथ डायरेक्शन एट सेम टाइम ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर है फुल डुप्लेक्स जी बिल्कुल विनाक्षी शर्मा आपने सबसे पहले आंसर दिया इसका चलिए नेक्स्ट पे आते हैं द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड असेंबलर बिल्कुल वानी ताहा सबसे पहले आपने इसका आंसर दिया बिल्कुल ठीक चलिए नेक्स्ट पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा है ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन कौन सा है ठीक है ऑल ठीक है इसका करेक्ट आंसर है ऑल ओके चलिए जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉजिक गेट इनमें से कौन सा है जो लॉजिक गेट नहीं है इसका करेक्ट आंसर है ऑल और लॉजिक ऑजुकेट फोर्थ आंसर ठीक है क्योंकि एंड बी बी और ही लॉजिक चले नेक्स्ट पे आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ एन इंटीग्रेटेड सर्किट इज इट्स एक्सट्रीमली हाई रिलायबिलिटी ओके चलिए नेक्स्ट पे आते हैं वट आर द कॉम्पोनेट्स ऑफ अ सीपीयू इन अ कंप्यूटर कौन से कॉम्पोनेट हैं इनमें से सीपीयू के कंप्यूटर में तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड कंट्रोल यूनिट है एलयू है एंड रजिस्टर्स होते हैं सीपीयू में है ना जी चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग द डेटा स्ट्रक्चर्स परफॉर्म एन इंपॉर्टेंट रोल तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोग्राम डिजाइन जी बिल्कुल सबसे पहले चौधरी जी आपने आंसर दिया इसका गुड चलिए नेक्स्ट पे आते हैं वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ मैन इन कंप्यूटर टर्मोनोलॉजी क्या है फुल फॉर्म एम ए एन का ठीक है मैन लैन मैन वैन ठीक है सुना होगा आप लोग ने तो इसका फुल फॉर्म जो है वो है मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क ओके चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं विच अमोंग द फॉलोइंग इज और आर स्टोरेज डिवाइसेज डिवाइस और डिवाइसिस यूज इन कंप्यूटर तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑप्शन करेक्ट ठीक है फ्लॉपी डिस्क भी हार्ड डिस्क भी और पंचेप भी ओके okay. गुड hmm. बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है यहां पर चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं सॉरी द कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर नेटवर्क एक्सचेंज इंफॉर्मेशन यूजिंग डायरस्ट टू कम्युनिकेट विद ईच अदर ओके okay. तो इसका करेक्ट आंसर है टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ओके जी बिल्कुल लक आपने सबसे पहले इसका आंसर दिया ओके okay. नेक्स्ट पे आते हैं डांस इज अ वे टू क्विकली एक्सेस अ फेवरेट वेबसाइट बाय सेविंग इट इन योर ब्राउजर तो इसका करेक्ट आंसर है बुकमार्क जी बिल्कुल हाँ जी लक आपने सबसे पहले इसका भी आंसर दिया चलिए नेक्स्ट पे आते हैं कंट्रोल यूनिट इज कॉल्ड द कंट्रोल यूनिट को क्या बोला जाता है इज कॉल्ड द डाइजेशन ऑफ कंप्यूटर ठीक है नर्व सेंटर और ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू में होता है ना ये तो नर्व सेंटर भी या ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी इसको बोला जाता है ऑल्टरनेटिवली ठीक है चलिए नेक्स्ट पे आते हैं ऑल द अर्थमैटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन इन अ कंप्यूटर डन एंड लॉजिकल ऑपरेशन कंप्यूटर के कौन करता है तो इसका करेक्ट आंसर है एल यू है, है ना तो चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं वट इज द फुल फॉर्म ऑफ इन अ कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी ठीक है फुल फॉर्म क्या है एच टी एम एल की तो इसका करेक्ट आंसर है हाइपर टेक्सट मार्कअप लैंग्वेज ओके जी बिल्कुल मीनाक्षी शर्मा आपने सबसे पहले इसका आंसर दिया चलिए गुड नेक्स्ट पे चलते हैं सर्वर्स और कंप्यूटर्स दैट प्रोवाइड रिसोर्स विच आर कनेक्टेड टू तो आ ठीक। इसका करेक्ट आंसर है नेटवर्क जी बिल्कुल चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं फॉलोइंग इज अंबर इनमें से कौन बाइनरी नंबर तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट वन जीरो 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 के फॉर्म में है ना तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज टू ट्रांसमिट डेटा इन ऑप्टिकल फाइबर तो इसका करेक्ट आंसर लाइट बिल्कुल जी यहां पे सनशाइन आपने सबसे पहले इसका आंसर दिया है गुड नेक्स्ट पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेटमेंट इज और और करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बायस ओके सारे स्टेटमेंट्स देखते हैं फिर देखते हैं इसका करेक्ट आंसर कौन सा है ठीक है ओके okay, जी तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल स्टेटमेंट्स और करेक्ट ओके ऑल जी बिल्कुल समीर अहमद आपने इसका पहले आंसर दिया चलिए नेक्स्ट पे आते हैं इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अंडर करेक्ट सॉरी अंडर करेक्ट फॉर्मेटिंग डैश डैश इज यूज टू अंडरलाइन सम पर्टिकुलर टेक्स्ट तो इसका करेक्ट आंसर है अंडरलाइन जी बिल्कुल परमीत आपने इसका सबसे पहले आंसर दिया है गुड चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉन्ट फॉन्ट स्टाइल साइज फॉन्ट कलर एट स्टार ऑप्शंस ऑफ तो इसका करेक्ट आंसर है करेक्ट फॉर्मेटिंग ठीक है करेक्ट फॉर्मेटिंग ओके चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं मल्टीकास्टिंग इज मल्टीकास्टिंग क्या है मल्टीकास्टिंग इज सेंडिंग ए फ्रेम टू ए ग्रुप ऑफ स्टेशन ओके तो इसका करेक्ट आंसर बन जाता है वन जी मुझे पता है आप लोग थक गए होंगे बट आपका एग्जाम है परसों तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इन करेक्ट इनमें से कौन सा पेयर जो है वो इनकरेक्ट है ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर है ओनली सेकेंड ठीक है माइक्रोफोन एंड आउटपुट वाइस ओके चलिए बिल्कुल साक्षी राजपूत गुड चलिए नेक्स्ट पे आते हैं ओके व्हाट इज स्टोरेज साइज ऑफ कॉमनली यूज फ्लॉपी डिस्क क्या है स्टोरेज साइज कॉमनली यूज फ्लॉपी डिस्क का ठीक है यस वन पॉइंट फोर फोर बिल्कुल चलिए नेक्स्ट पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैनेज बाई ऑपरेटिंग सिस्टम इन में से कौन सी कौन सी ऐसी वो है मतलब मेमोरी प्रोसेसर इनपुट या आउटपुट डिवाइस कौन से डिवाइस है जिनको मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोसेसर जी बिल्कुल ओके okay. सॉरी 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 मैंने नीचे मैंनेप् नहीं देखे रियली रियली सॉरी ओके तो इसका करेक्ट आंसर जो है इसका ऑल ऑल है ऑल ऑल ठीक है ऑल है सॉरी ओके चलिए चलिए नेक्स्ट पे विच फॉलोइंग इज और आर इनपुट डिवाइसेस कौन से हैं इनमें से इनपुट और सॉरे सारे ना मतलब कौन सा एक या बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस ओके थ्री यस 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 चलिए चलिए बताइए तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑप्शन ओके ऑल कीबोर्ड भी है स्कैनर भी है जॉयस्टिक भी है सारे ओके okay, चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज अ लाइट सेंसिटिव डिवाइस यूज फॉर कन्वर्टिंग इमेज टू दियर डिजिटल फॉर्म तो इसका करेक्ट आंसर स्कैनर बिल्कुल ठीक चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं ओके okay, तो यहां पे क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड कंप्यूटर ठीक है कंप्यूटर का इन्वेंशन किन ने किया था तो इसका करेक्ट आंसर है चार्ल्स बैबिज है ना ओके okay. चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं राउटर इज यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर है नेटवर्क लेयर बिल्कुल जी बहुत सारों के आंसर आ रहे हैं बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं आप तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज यूज बाय कंप्यूटर टू प्रोसेस डेटा तो इसका करेक्ट आंसर है बाइनरी बिल्कुल चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं मैच द फॉलोइंग ठीक है अब मैच करके इनमें से हम बताएंगे कौन सा आंसर इसका ठीक है ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड वन ठीक है वन का बी इनपुट डिवाइस ओके टू का सी प्लॉटर ओके ब्राउजर कौन सा है सफारी ओके okay? यस yes. चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं प्रोटोकॉल यूज फॉर सेंडिंग एन ईमेल इज किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके या कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है फॉर सेंडिंग एन ईमेल ठीक है जल्दी से आंसर बताइए तो इसका करेक्ट आंसर है एस ठीक है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जिसको बोला जाता है ठीक है ओके चलिए नेक्स्ट पे आते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज और नॉट एन इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सा जो है इनपुट डिवाइस नहीं है ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर है प्लॉटर यस चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं प्रोटोकॉल यूज फॉर रिसीविंग एन ईमेल इज ठीक है रिसीव करने के लिए ठीक है जो ईमेल के सेंड करने के लिए रिसीव करने के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं ठीक है तो रिसीव करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है तो वो है पीओपी थ्री ओके चलिए जी बिल्कुल समीर अहमद आपने सबसे पहले इसका आंसर दिया है चलिए नेक्स्ट पे आते हैं सफारी इज अ टाइप ऑफ सफारी किसका टाइप है तो करेक्ट आंसर है ब्राउजर बिल्कुल नेक्स्ट पे चलते हैं मैच द फॉलोइंग ये आप देख लीजिए मैच सॉरी या ओके तो इसका करेक्ट आंसर जो है पहला ही है ओके okay? चलिए जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस इनमें से कौन सा है आउटपुट डिवाइस बताइए तो इसका करेक्ट आंसर है प्रिंटर यस yes, बिल्कुल चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं

फ्रॉम लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट ठीक है वो देख लीजिए तो करेक्ट आंसर है फोर्थ टी बी जी बी एमबीए के बी ओके चलिए जी बिल्कुल अक्रशोर सबसे पहले आपने आंसर दिया है ना आप थक भी गए हैं तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं चीफ कॉम्पोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज तो इसका करेक्ट आंसर है वैक्यूम ट्यूब्स जी बिल्कुल आंसर्स आ रहे हैं बहुत सारे चलिए नेक्स्ट पे आते हैं इंडिया फास्टेस्ट एंड फर्स्ट मल्टी पीड सुपर पर कंप्यूटर नेम्ड प्रत्यूष वाज अनवील्ड एट कहाँ परवील किया गया था प्रत्यूष चलिए आंसर देखिए एंड आंसर्स बताइए मुझे तो इसका करेक्ट आंसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे ओके चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डाइट आर स्मॉल डॉट्स स्क्वायर डैश और ग्राफिक्स दैट आर ऑफ सीन बिफोर द टेक्स्ट उनको क्या बोला जाता है तो उनको ब्लाइट्स बोला जाता है बिल्कुल विनाक्षी शर्मा आपने पहले आंसर दिया इसका चलिए नेक्स्ट पे आते हैं इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दी आर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिंग करेक्टर फॉर्मेटिंग एंड डैश डैश तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इसका करेक्ट आंसर है जी चलिए नेक्स्ट पे आते हैं इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलाइन द टेक्स्ट एट अ पर्टिकुलर पर्टिकुलर पॉइंट और टू क्रिएट अ टाबलो लेआउट तो इसका करेक्ट आंसर है टैब्स बिल्कुल जी यहां पे बिलाल अहमद आपने नो जी 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 ओके 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 चलिए चलिए नेक्स्ट पे आते हैं इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डाटा व्यू शोज हाउ द डॉक्यूमेंट वुड लुक व्हेन इट इज प्रिंटेड तो क्या बोला जाता है इसको प्रिंट लेआउट चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डैश डैश प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट डॉक्यूमेंट तो करेक्ट आंसर इसका स्टेटस बार बिल्कुल इकरा रशीद आपने सबसे पहले इसका आंसर दिया गुड चलिए नेक्स्ट पे आते हैं टू डिलीट कॉलम्स और रोज वी कैन यूज द डिलीट ऑप्शन अंडर द डैश डैश इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ठीक है तो चलिए आंसर बताइए करेक्ट आंसर है टेबल मेन्यू जी चलिए नेक्स्ट पे आते हैं इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इट एस कॉन्टेन्स टूल्स फॉर स्टैंडर्ड टास्क लाइक सेविंग प्रिंटिंग कटिंग कॉपिंग पेस्टिंग एटसेट्रा तो इसका करेक्ट आंसर है स्टैंडर्ड टूल ठीक सर समीर अहमद आपने इसका आंसर पहले दिया चलिए नेक्स्ट पे आते हैं इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डाइट प्रोवाइड्स टूल्स फॉर फॉर्मेटिंग लाइक बोल्ड टैलिक अंडरलाइन एटसेट्रा तो इसका करेक्ट आंसर है फॉर्मेटिंग टूल ओके चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अंडर करेक्टर फॉर्मैटिंग मेक्स करेक्टर स्टैंड आउट बाय मेकिंग दम बोल्ड इटालिक और बोथ तो इसका करेक्ट आंसर है फॉन्ट स्टाइल जी बिल्कुल अफ़शान राथर आपने इसका पहले आंसर दिया गुड चलिए नेक्स्ट पे आते हैं कंप्यूटर नेटवर्क कॉन्स्टिट्यूटिंग द इंटरनेट आर कनेक्टेड बाई टेलीफोन्स अंडर वॉटर केबल्स एंड डैश डैश तो इसका करेक्ट आंसर है सैटेलाइट चलिए नेक्स्ट पे आते द डैश डैश हैज इमर्ज एज अ कन्वीनियंट मीन ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड सर्विस तो इसका करेक्ट आंसर है इंटरनेट बिल्कुल आके मलिक आपने सबसे पहले इसका आंसर दिया है चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं डायजस्ट प्रोवाइड्स नेटवर्क बैकबोन एंड ई गवर्नेंस सपोर्ट टू गवर्नमेंट बॉडीज इन इंडिया तो इसका करेक्ट आंसर है एनआईसी Yes, National Informatics Center (NIC). Okay, chaliye. The overall capabilities of CCT are understood by all because dash, dash are information processing tools. तो इसका करेक्ट आंसर है कंप्यूटर्स कंप्यूटर्स ओके चलिए जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं वेब एप्लीकेशन आर डिजाइंड टू इंटरप्रेट डैश डैश टू डिस्प्ले टेक्स्ट इमेज एटसेट्रा तो इसका करेक्ट आंसर है एच डी एम एल ओके जी बिल्कुल विनाक्षी शर्मा आपने इसका पहले आंसर दिया एच डीएमएल चलिए नेक्स्ट पे आते हैं इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंट्रोल प्लस राइट एरो की लीड्स टू डार्च द सेल मूवमेंट ऑन स्प्रेडशीट तो इसका करेक्ट आंसर है एंड ऑफ रो ओके okay. चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं डायजेस्ट अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ठीक है आंसर देखिए और बताइए तो इसका करेक्ट आंसर है मोजिला जी चलिए नेक्स्ट पे आते हैं एवरी एच डी एम एल फाइल इज अ डैश डैश फाइल इज अ टेक्सट फाइल ओके चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डैश डैश प्रोवाइड्स ऑप्शंस टू स्विच बिटवीन नॉर्मल वेब लेआउट प्रिंट लेआउट आउटलाइन एंड रीडिंग वेब्स तो वेव बटन ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंट्रोल प्लस डाउन एरो की लीज टू डाइट सेल मूवमेंट इन स्प्रेड शीट तो इसका करेक्ट आंसर है एंड ऑफ कॉलम ठीक है यस जी बहुत सारों ने यहां पे जी अर्शन राथर बिल्कुल आपने सबसे पहले यहां पे आंसर दिया है तो ये हो गया यहां पे हमने इत, सॉरी इतने सारे क्वेश्चंस इस सारी पीडीएफ से किए तो रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए होमवर्क रहेंगे तो दूसरी पीडीएफ से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ठीक है तो यहां पे कुछ क्वेश्चंस है विद तो यहां पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ओके जी चलिए सी एडी स्टैंड फॉर सी एडी स्टैंड फॉर तो इसका करेक्ट आंसर है कंप्यूटर एडेड डिजाइन ठीक है चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज जनरली नोन एज ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है ये भी आप ये पीडीएफ भी देखिए ये पीडीएफ भी आपको मिलेगी क्योंकि इसके साथ आंसर्स भी एक्सप्लेनेशंस भी है तो ये बहुत अच्छी पीडीएफ है तो मैं सोचा इसमें से भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ठीक है इन द फील्ड ऑफ इंटरनेट डब्ल्यू 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 स्टैंड फॉर तो ऑप्शन यहां पे दिए हुए हैं तो फिर भी मैं आपको यहां पे बताती हूँ वर्ल्ड वाइड वेब है ना चलिए नेक्स्ट पे आते हैं च एप्लीकेशन इज यूज फॉर एक्सेसिंग द इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट ठीक है किसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए इंटरनेट पे तो करेक्ट आंसर है हमारे पास वेब ब्राउजर है ना ओके okay. चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं Unsorted transactions that can be used to immediately update a database is called as ठीक है तो उसको क्या बोला जाता है डायरेक्ट डेटा बेस एक्सेस ठीक है आप आंसर देते दे जाइए आप आंसर्स यहाँ पे दिए हुए हैं मत देखिए आंसर्स की तरफ तो आप आंसर्स देते दे जाइए चाहे गलत ही हो सही हो जिसको गलत हो गया वो सही करेगा जो सही बोल रहा है वो सही है तो इस तरह से ना आपको भी जो है प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होगी चलिए नेक्स्ट पे आते हैं एक्सटेंशन ऑफ पिक्चर फाइल ऑन अंप्यूटर ठीक है कौन सी नहीं है इनमें से जो पिक्चर फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन तो इसका करेक्ट आंसर है डॉट एम डी बी ओके एक्सटेंशन नहीं होती है पिक्चर फाइल की ठीक है चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टू हाउ मनी बेट्स ठीक है कितने बेट्स तो इसका करेक्ट आंसर है फोर बिट्स, ओके जी गुड चलिए नेक्स्ट पे आते हैं इन एच टी एम एल टैक्स कॉन्सिस्ट ऑफ की एंड क्लोज देन ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर है एंगुलर ब्रेकेट्स ओके चलिए नेक्स्ट पे आते हैं प्रिंटर कैन नॉट प्रिंट मोर देन वन करेक्टर एट अ टाइम ओके कौन सा प्रिंटर है तो इसका करेक्ट आंसर है टॉट मैट्रिक्स ओके जी नेक्स्ट पे आते हैं द वेस्ट जनरेटेड बाई पर्सनल कंप्यूटर इज नोन एज क्या बोला जाता है उस वेस्ट को तो इसका करेक्ट आंसर है ई वेस्ट ओके चलिए नेक्स्ट पे आते हैं तो यहां पे डीवीडी रेफर्स टू तो इसका जो है नन नन ऑफ द दिजिटल व स्टाइल डिस्क है ना तो इसका करेक्ट आंसर नन ऑफ द या सॉरी सॉरी इसका जो है सॉरी डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोला जाता है ठीक है डिजिटल वीडियो डिस्क और डिजिटल व स्टाइल डिस्क भी बोला जाता है ठीक है सॉरी चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं यहां पे जो है एक्सप्लेनेशन साथ साथ दी दे के हैं दी गई हैं तो इस पीडीएफ में ओके okay? आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे एक्सप्लेन कितनी इन्होंने नाइसली दी है ठीक है हम ये पीडीएफ जो है शेयर करेंगे ठीक है ऐप पे तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सॉरी यूएस बी रेफर्स टू ठीक है यूएस बी एक पोर्ट टाइप होता है ठीक है पोर्ट टाइप ओके चलिए यहां पे और एक क्वेश्चन बीच में स्किप हो गया यार कोई नहीं इन एम एस डॉज द प्राइमरी फाइल नेम कैन कॉन्टेन अप टू हम नी करेक्टर्स तो इसका करेक्ट आंसर है एट करेक्टर्स ठीक है चलिए जी इन प्रोग्रामिंग रिपीटिंग सम स्टेटमेंट्स इज यूजली कॉल्ड ठीक है किसको बोलते हैं तो उसको बोलते हैं लूपिंग ठीक है, है? देखिए यहाँ पे एक तो आपको ये भी समझ आएगा कि क्वेश्चन ना कैसे कैसे टाइप के पूछे जा सकते हैं ठीक है एग्जामिनर किस किस वे में आपको क्वेश्चन पूछ, पूछ, पूछता है ठीक है तो ये भी आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा एक्सप्लेनेशन साथ है तो ये भी क्लियर हो जाएगा कि किस क्वेश्चन का आंसर ऐसा क्या क्यों है क्या एक्सप्लेनेशन है ठीक है ओके okay. चलिए अब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर ठीक है ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है टू सर्च फॉर वेब पेज ऑन द इंटरनेट ठीक है ओके okay? चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं इन एमएस वर्ड रिप्लेस ऑप्शन कम्स अंडर द मेन्यू ठीक है एमएस वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन कम्स अंडर द मेन्यू तो इसका करेक्ट आंसर है एडिट ओके okay? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं सीपीयू हमें पता ही है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ठीक है ओके नेक्स्ट पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपैक्ट प्रिंटर इनमें से कौन सा है इंपैक्ट प्रिंटर ओके तो इसका करेक्ट आंसर है डेजी व्हील प्रिंटर ओके चलिए आइडेंटिफाई दर्म अमंगज द फॉलोइंग ग्रुप्स इनमें से और टर्म जो है आप आइडेंटिफाई करिए ठीक है तो वो कौन सा है पहला ही माइक्रोवेवस राइट गुड चलिए वट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम वुड बी रिकोग्नाइज बाई डिजिटल सर्किट्स ठीक है किस टाइप की इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है क्रोनाइज होती है बाय डिजिटल सर्किट्स तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ बी एंड सी हेक्साडेसिमल सिस्टम बी एंड बाइनरी बी ओके चलिए नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग इज द टॉप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर बेस्ड ऑन द सब्सक्राइब बेस विद 9.97 मिलियंस तो इसका करेक्ट आंसर है बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड ओके okay? चलिए जी टेलनेट इज अ टेलनेट क्या है ठीक है टेलनेट जो है एक प्रोटोकॉल है ठीक है ओके तो आप यहां पे जो है ये पीडीएफ आपको हम प्रोवाइड करेंगे तो लाइव सेक्शन मुझे लगता है जो सेशन है बहुत ही बड़ा हो गया तो ये क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशंस आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं आप ये पढ़िए आपको ये होमवर्क है ठीक है आप ये पढ़िए आप ये क्वेश्चन सॉल्व करिए खुद ही इनकी एक्सप्लेनेशंस प्रॉपरली पढ़िए ठीक है तो चलिए ये हो गया आज का आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट तो रिमेनिंग आपका होमवर्क है अच्छे से पढ़िए ठीक है लाइक शेयर करिए एंड एप्लीकेशन में आपको सारा प्रोवाइड किया जाएगा तो चलिए अल्लाह हाफ़ बाय